है कि इस चीज को सर उस्मान के सामने नहीं रखा गया, वो सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी है और हमें आइडिया है। सर हमजा आपको एक मैंने एक मैसेज किया था, उसका रिप्लाई दे देते सर। आपके आप किस नेम से आपने किया है? एक्चुअली मेरे पास मैसेजेस बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अहमद शाकिर लिखा हुआ है, मैं दोबारा आपको भेजता हूँ। मुझे रफी की भी मिस कॉल आती रही है, वो मैंने अटेंड नहीं कर पाया। अभी अभी देखें, अभी आपको एक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। वो मुझे ये बताइएगा कि आपने किस नेम से किया है, मुझे लास्ट डिजिट बताइएगा आपके फोन का। अभी मेरे पास एट अ टाइम दो मैसेजेस आए। जी मुझे मिल गया आपका मैसेज, मुझे कोई फाइल रिसीव नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। हमजा सर एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ आपकी इजाजत से? जी जी करें सर। पूछना ये है कि कोई भी निश सिलेक्ट करने के बाद बिजनेस मॉडल आपने चार बताए थे, उसमें सबसे जो ई कॉमर्स वाला बिजनेस मॉडल वो तो है तो सर बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? और दूसरा जो प्रोसेस है सर कि हम सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, और फिर वो अब एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के यूके की मार्केट में चीज कैसे डिलीवर करेगा, इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान से चीजें सोर्स करेंगे, चाइना से सोर्स करेंगे अलीबाबा के थ्रू, फिर हम कस्टमर के डोर स्टेप पे उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ये इसकी सर समझ नहीं आ रही है काइंडली बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स की सबसे बेसिक जो चीज होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च, जिसे आप नीश रिसर्च कहते हैं। ठीक है, नीश रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं, आप डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो है अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है, ये किस रीजन में जो है वो सेल होता है, वो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के थ्रू मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप जैसे वो ट्रेंड्स वगैरह चेक करते हैं, ये आपका क्या हो गया, आप इस तरह से आप अपनी नीश फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि ऑलरेडी उस बिजनेस में जो के वेबसाइट्स बैठी हैं या जो आपके कंपेटिटर्स बैठे हैं वो चीज कैसे डिलीवर कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, आपने कंपेटिटर एनालिसिस करते हो। जब आपका ये पेपर वर्क तैयार हो जाता है, आप क्या करते हो, सोर्सिंग की तरफ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आप कैटलरी की तरफ जाते हो या किचन रेंज की तरफ जाते हो, इस तरफ आप किसी भी एक प्रोडक्ट में जाते हो, तो उसके आपको सोर्सिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिलेगी। या डिमास्कस नाइफ की तरफ आप जाते हो, नाइफ्स की तरफ आप जाते हो, तो उसकी आपको सोर्सिंग कहाँ से मिलेगी, वजीराबाद से मिलेगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपका जो होता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसे आपने जाके क्या करना होता है, मार्केट में लोकल जाके विजिट करना होता है कि वो किस ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, चीजें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि आप नीश तो रिसर्च कर लेते हो, लेकिन क्या होता है कि उसके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं कि वो किस जगह से बनना है उनका। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं सियालकोट में अगर मैंने काफी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, तो वो क्या कहते हैं, भाई जी कितना ऑर्डर है, कितने पीसीस का ऑर्डर है, वो मतलब इस चीज के ऊपर भी आपके साथ क्या करते हैं, बहस करते हैं। तो आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर से बात करनी है। जब मैन्युफैक्चरर से आपकी डील डन हो जाती है, फिर आप आए वेबसाइट की तरफ, आप वेबसाइट अपनी बिल्ड करें,
उसके ऊपर आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपका पेमेंट मेथड होता है कि आपने किस पेमेंट मेथड के थ्रू अपना जो है मनी जो है वो जो है रिसीव करनी है बाहर के मुल्क से, ठीक है। तो उसके लिए पेपाल हो जाता है आपके पास, स्ट्राइप हो जाते हैं, ये सारी क्या पेमेंट मेथड आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है आपका जो क्वेश्चन था कि आपने उधर चीजें भेजनी कैसी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है। इसमें आता है आपका, आपने डिलीवरी टाइम सबसे पहले देखना होता है कि आप कितनी देर में अपनी वो चीज जो है वो डिलीवर कर सकते हैं ऑन डोर स्टेप ऑफ कस्टमर। अगर आप कस्टम कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो एवरेज डिलीवरी टाइम होता है वो 7 दिन से लेकर 14 दिन तक का होता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है बिकॉज इट्स डिपेंड कि आप किस नीच पे। फॉर एग्जाम्पल आप सैडल की तरफ जाते हैं, सैडल एक क्या है कि आपके पास हाथ से काम करने वाली एक चीज है, उसके ऊपर काफी टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी ये सारी चीजें आप वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर देते हैं। ये जब आप अपना कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है वो ये वाली चीज कितने दिनों में डिलीवर कर रहा है, तो आपको भी वहां से आइडिया हो जाता है कि आपने कितने दिनों में ये सारी चीज जो है वो डिलीवर करनी है। ये हो गया। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन था कि डिलीवर जो आपका सोर्स है आपने कैसे डिलीवर करना है। तो DHL आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आप उसके थ्रू जो है वो अपनी जो चीज है वो क्या कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं। उसके लिए जो मेन चीजें देखते हैं वो वेट देखते हैं और उसके बाद डायमेंशन देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का वेट कितना है और डायमेंशन क्या है, किस रीजन में जा रहा है। इसकी बेसिस पे वो क्या करते हैं, आपके जो रेट्स वगैरह है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल USA का 1 kg का जो है रेट है वो है तकरीबन 7,500 रुपए। कितना, 7,500 रुपए के करीब 1 kg का आई थिंक है आपका जो कि आप भेजते हैं USA में अपनी शिप करते हैं। और इनका ड्यूरेशन टाइम डिफरेंट होता है, 7 दिन में ये डिलीवर कर देते हैं या 3 दिन में भी ये डिलीवर कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिपमेंट्स वगैरह जो है वो मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, किंजा हेयर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम जब कोई वर्ड कीवर्ड सर्च कर रही हूँ मैं, तो मुझे कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिनका CPC 0 है, तो उसका क्या मतलब है, क्या उन वर्ड्स पे काम नहीं करना चाहिए? और ये सीपीसी ये मतलब ये किस तरह से डिफाइन कैसे होता है, मतलब कि इस किसी कीवर्ड का जो है वो 0.97 है, किसी का $10 है, ये किस तरह पता चलता है? ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है, बेसिकली जो कीवर्ड होता है वो दो, उसकी वैल्यू जो होती है वो दो तरह से आप निकालते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक उसकी वैल्यू, ठीक है, एक होती है उसकी जब आप पेड एड्स उस पर चलाते हैं वो क्या होते हैं, CPC वो कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग तरीके हैं, ठीक है। आप इस कीवर्ड के ऊपर जब आप काम करते हैं तो दो अलग तरीके, अगर पेड के ऊपर काम करते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आपने उसके CPC देखना है कि आपने कम से कम जो CPC वाला जो है कीवर्ड उसे आपने क्या करना है, चूज करना है। वो आप ट्रांजेक्शनल एड्स, आप किस टाइप के एड्स जो है वो चला रहे हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। और CPC बेसिकली क्या होगा, जब आप पेड एड की तरफ जाएंगे, जब आप ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे, SEO की तरफ जाएंगे, तो आपने सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, तीन चीजें देखनी होती है। आपने देखना होता है उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी डिफिकल्टी कितनी है, और उसके बाद क्या है उसका इंटेंट क्या है, आयो इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल है, कमर्शियल है। ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, आप ये तीनों चीजें जो है इस बेसिस पे आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिक अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब जैसे आपने मेरे सामने केस स्टडी एक रखी है कि उसका CPC जो है वो 0 है, क्या आप मुझे उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, ऑर्गेनिक उसका वॉल्यूम कितना है? आई थिंक अराउंड 2000। और उसका इंटेंट क्या है? I think वो ट्रांजेक्शनल नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरे ट्रांजेक्शनल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रांजेक्शनल के ऊपर क्या होता है, CPC अक्सर ज्यादा होता है, बिकॉज लोग उस पर बिड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लोग एड चलाते हैं, जिसके अगेंस्ट में क्या होता है, रेवेन्यू मिलता है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर आपका CPC ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर 0 तो नहीं हो सकता, जो ट्रांजेक्शनल है उसके ऊपर आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आप इस वक्त कीवर्ड देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने वो देखा नहीं है कीवर्ड, वो ये है कि आप शायद इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की तरफ जा रही है या नेविगेशनल कीवर्ड की तरफ जा रही है।
अच्छा एक और चीज, कल सर उस्मान ने बताया था वो फर्नेस इंस्टॉलेशन के कुछ एक ग्रुप उस पे काम करे, तो मैं उस पे काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें कैसे इंक्लूड हो सकती हूँ मैं उस ग्रुप में? ओके ये भी सर उस्मान जो है वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, बिकॉज इसमें सर उस्मान का जो है वो बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है इसमें। उन्होंने बहुत ज़्यादा अरसे तक इसमें कॉल सर्विसेज भी दी है और डायरेक्टली जो है अपनी सर्विसेज भी दी है, मार्केटिंग सर्विसेज भी दी है और अपनी एज अ कंपनी भी इसे क्या किया, रन किया हुआ है। तो इसमें सर उस्मान आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं इस बिजनेस मॉडल का जो है इसका क्या होगा, बिजनेस प्लान क्या होगा, वो आपको सर उस्मान बहुत अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में बता सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप इसकी सर्विसेज किसी कंपनी को देते हैं किसी एज अ थर्ड पार्टी, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा मैं ये एक पूछ लें आप बात कर लें। मेरा ये सवाल था कि सर ने कहा था कि वो एक ग्रुप उस पे काम करे फर्नेस इंस्टॉलेशन वाले कीवर्ड पे, तो उसका वो ग्रुप कब बनेगा, उसमें आप लोग कुछ कर रहे हैं इंडक्शन? जी सर उस्मान ने कल हमें जो है वो टीम्स के बारे में बता दिया कि आपने इस तरह से टीम्स बनानी है। आज मैं मायशा नहीं आई, वो जैसे ही ऑफिस पहुंचेगी तो उनके साथ जो है एक टेबल मीटिंग करके उसमें अभी ये चीजें सारी फाइनलाइज कर लेंगे। ओवर द टीम, थैंक यू। अच्छा सर मैंने ये पूछना था, अगर आपके कीवर्ड एक कीवर्ड की अगर वॉल्यूम है 1000 और केडी उसकी 20-20 है, तो उस कीवर्ड के ऊपर हम जो आर्टिकल लिखेंगे वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि आप वो किस टाइप का टॉपिक है, ठीक है, किस टाइप का टॉपिक है। इसका सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि आप ऑलरेडी जो प्रेजेंट जो कंटेंट होता है उसे देखें, ठीक है, कि आपके ऑलरेडी सर्विस करने पे आपको किस टाइप का कंटेंट मिल रहा है, बिकॉज आप तब इंप्रूव करेंगे जब आप उसमें ऑलरेडी जो प्रेजेंट कंटेंट है उससे कोई इन्हांसमेंट लेके आएंगे। वैसे जो रिकमेंड किया जाता है जो कि स्टैंडर्ड साइज है वो है जो वो है तकरीबन 700 वर्ड से लेके 1000 वर्ड तक जो है आपको मिनिमम जो है अपना आर्टिकल लिखना चाहिए। सर इसमें जितने हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे उतने ही हमने उसमें ब्लॉग ऐड करने हैं, मतलब के जितने कीवर्ड्स आप जिन 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 कीवर्ड्स के ऊपर काम करें हर कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग लिखना लाजमी है या नहीं? देखिए अब डिपेंड करता है कि अब कीवर्ड का आपस में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप लेदर स्कर्ट के ऊपर आप एक बार लिख चुके हैं, ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि वो कितना ब्रॉड कीवर्ड है। अब लेदर स्कर्ट है, अब लेदर स्कर्ट अगर आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड है आगे उसके ऊपर कितने की ब्लॉग्स निकल सकते हैं, हाउ टू वॉश लेदर स्कर्ट, हाउ टू रिमूव रिंकल्स फ्रॉम योर लेदर स्कर्ट, हाउ टू रिमूव रिंकल्स फ्रॉम योर लेदर जैकेट्स, आपके पास बेपनाह जो है आपके पास क्या है टॉपिक्स निकल सकते हैं। आपने इस चीज से सर्च करने के लिए आपके पास दो टूल्स अवेलेबल है, एक आपके पास SEM Rush अवेलेबल है, एक सबसे इस वक्त जो अच्छा टूल जा रहा है वो बस वो है। अब दो ये टूल्स यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल जो है आइडियाज के। दूसरा सर, दूसरा टूल का क्या नाम है? बस सुमो जी। ये दो, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। स्पेल कर देंगे ना, आप ये लिख लीजिएगा आपको मिल जाएगा, टॉप पे आ रहा होगा आपके पास। सर मैं सवाल कर सकता हूँ? जी कर लीजिए। कभी हमारे पास 6 जब स्टूडेंट्स हो रहे नोट हो जाएंगे, 100 के बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। मेरा भी सवाल लेना हम दफा ही छोटा सा। मैं पहले पूछ लूं, गेस्ट किया था सर, मैं पूछ लूं पहले। जी सर आपको टेक्स्ट मिला? जी मुझे टेक्स्ट मिल गया, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम है। हां मुझे जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा, अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमने ऑन पेज कर लिया है और हमने कोई ब्लॉग भी नहीं अभी अपनी साइट के लिए लिखा और उसको रैंक करवाने के लिए ऑर्गेनिकली तरफ जा भी नहीं रहे, लेकिन ई कॉमर्स साइट अगर रेडी है
तो क्या पेड एड चला ली जाए टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर? जी आप पेड एड जो है वो चला सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन गूगल सर्च कंसोल में सिर्फ अभी एक कीवर्ड क्रॉल किया और वो 11th रैंकिंग में आ रहा है, तो मैं क्या सिर्फ अभी उसको ही टारगेट करूं फिर, जबकि सोशल मीडिया कैंपेन भी कुछ वो नहीं समझ सका? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली तो रैंक करवाने के लिए टाइम चाहिए, ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ेगी, लेकिन सर जब तक आप जी साइट रेडी है बेस्ट तरीका होता है पाकिस्तान में, अगर आपने कोई अपनी किसी प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखना हो, आप उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ले, लाइक फेसबुक एड्स वगैरह रन कर ले, उससे आपको उसके प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चल जाएगा, थ्रू पेज के आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, गूगल एड्स के बाद डायरेक्टली रन कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो है गूगल एड्स का कन्वर्जन जो रेट है वो कम है बनिस्बत जो है सोशल मीडिया एड्स के, ठीक है? सर मैंने यूके को टारगेट किया हुआ ना, ठीक है, यूके में आप जो है वो गूगल एड्स के थ्रू जाए, ठीक है? एक तो क्योंकि सोशल मीडिया जो है उधर आप अपने जो है सेंस को अपने जो आप जो उसके ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे होते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन गूगल एड के ऊपर आप एक एक सेंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपना लेकिन सर, आप अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए आप उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना जो है वो गूगल एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। सर मैं गूगल मर्चेंट के थ्रू चलाऊं ऐड वो भी अप्रूव्ड है या फिर मैं कीवर्ड के ऊपर चलाऊं? गूगल मर्चेंट आपको तब रिक्वायर्ड होता है जब आप शॉपिंग एड्स वगैरह चला रहे होते हैं। तो सर स्टार्ट में कौन सा बेहतर रहता है? ऑब्वियसली आपको शॉपिंग एड्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास ऑप्शन है और आपके पास पैसा भी अच्छा खासा तो आप शॉपिंग एड्स ही कर जाए। तो सर ब्लॉग्स जो लिखने हैं वो अपनी साइट पे ज्यादा फिजिबल रहते हैं या उस साइट पे आके लगाने हैं अगर किसी कीवर्ड को टारगेट करना है तो, जैसे आप स्कर्ट के भी बात कर रहे थे, ये तो अपनी साइट के ऊपर कितने को ब्लॉग्स पे लगाए जा सकते हैं? इसकी कोई आपको कोई भी जो है वो इस चीज का आपको नहीं बता सकता कि आपको कोई एग्जैक्ट नंबर्स आपको नहीं बता सकता, जितना आपके पास कंटेंट होगा उतना अच्छा होगा आपके पास। अपनी साइट पे भी लगाने या आउटसाइड भी जाएंगे? जी ठीक होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, मेरा बस क्वेश्चन है हलीमा, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अपना जो है अपनी क्लास। ओके हमजा भाई, मैंने कल अपने प्राइमरी कीवर्ड और माइक्रो नीश जो थी मैंने कल वो निकाली, अपनी सेकेंडरी कीवर्ड निकाला। मेरा जो कीवर्ड उसका इंटेंट जो आ रहा है ना वो आ रहा है ट्रांजेक्शनल आ रहा है और उसका वॉल्यूम जो 70 है, केडी जो था उसका 24 था और सीपीसी जो है वो 0 है उसका, लेकिन रिजल्ट उसके 16.7 मिलियन है, ये क्या चीज है? 24 उसका क्या है? 24 उसका केडी है, 24% 24 उसका केडी है और हाँ जी और वॉल्यूम उसका 70 है, 70 सिर्फ 70 राइट? या ओनली 70 या और इंटेंट उसका जो है वो ट्रांजैक्शनल है और रिजल्ट उसका जो आ रहा है वो 16.7 मिलियन है। और उसका सीपीसी कितना है? इधर आ, सॉरी जीरो है, सीपीसी जीरो है। इधर आ, रिजल्ट्स के ऊपर आपको ये कोई इशू नहीं है, कोई आरगर जो है वो नॉर्मल आ सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा भी कीवर्ड हो उसके रिलेटेड, जैसे आपने LSI कीवर्ड्स पढ़े हैं, मे बी इस जो आपने कीवर्ड देखा है, आपने जो सर्च किया है इसके रिलेटेड जो LSI कीवर्ड्स जो है गूगल निकाल के उसके बेसिस पे आपको इतने ज्यादा रिजल्ट शो करवा रहा है। जैसे आपने बताया सीपीसी बिल्कुल जीरो है और इसका जो है वो वॉल्यूम ही थोड़ा है, तो इसका मतलब है कि अभी ये जो है इसका ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और इसका जो सीपीसी है मतलब इसके ऊपर कोई भी इस वक्त जो है वो ट्रांजैक्शन इसके ऊपर बिडिंग वगैरह नहीं कर रहा जब वो गूगल एड्स की तरफ जा रहा। तो ओके, क्योंकि जो मैंने मेरे जो ये है ना सेकेंडरी जो मेरा कीवर्ड है इससे रिलेटेड जो मैंने जितने भी निकाले हैं इनके मैंने जो भी डिटेल निकाली है ये सब के वॉल्यूम जो है ना वो जो पहला वाला है उसका वॉल्यूम 1000 है, केडी 32% है और सीपीसी का 65% है। तो क्या मुझे ये मतलब ये वाले कीवर्ड्स को फोकस करना चाहिए? आप ये मुझे जो है ये लिख के जो है वो सेंड कर दे, बिकॉज ये केस स्टडी है तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके और
आज की बेसिकली अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है. सो हमने एक एसईओ का जो है वो टॉपिक जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं. ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, एसईओ बेसिकली क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है. आज बेसिकली आज हम एक गूगल का जो है टूल जो है वो क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, आपकी जब भी कोई एसईओ बेसिक स्टार्ट होती है, आप जब भी एसईओ स्टार्ट करते हैं तो आपकी एसईओ कहाँ से स्टार्ट होती है, इन दो टूल्स के थ्रू स्टार्ट होती है. आज हम जो टूल पढ़ने जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल. ठीक है, गूगल के बेसिकली दो टूल्स है जो कि डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के साथ क्या होते हैं, सिंक होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं. उनमें क्या आता है, गूगल एनालिटिक्स आपके पास आता है और उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, गूगल सर्च कंसोल. ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट, ये सारी चीजें हैं तब आती है जब आपकी जब आप एड्स की तरफ जा रहे थे. लेकिन मेनली प्राइमली आपके पास ये दोनों जो है टूल्स क्या होने चाहिए, आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. आज हम टूल पढ़ने जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, गूगल सर्च कंसोल. इसे कुछ अर्सा पहले 2015 में इसे किस नाम से जाना जाता था, गूगल वेब मास्टर के थ्रू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. सो मैंने अब आपको बताया कि व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल. ठीक है, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली क्या है, एक गूगल का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं. गूगल का अगर आपको कोई भी आपके सामने दो टर्म्स के साथ इस टूल को क्या किया जाता है, जाना जाता है, गूगल वेब मास्टर और क्या है दूसरा, गूगल सर्च कंसोल. 2015 से पहले इसे किस नाम से पुकारा जाता था, गूगल वेब मास्टर से. लेकिन अब क्या है कि गूगल सर्च कंसोल इसका ऑफिशियल जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है. अगर आप गूगल के जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपको गूगल सर्च कंसोल जो है इस नेम से आपको क्या मिलेंगे, सारे आर्टिकल्स मिलेंगे. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हमें बेसिकली इन टूल्स की जरूरत क्यों है. ठीक है, आपने एक वेबसाइट बना दी है. ठीक है, फैसल शरीफ ने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, कोई भी है, जैसे कल सर उस्मान एक वेबसाइट का नाम ले रहे थे, कोई xyz.com आपकी एक वेबसाइट है. अब देखिए वेबसाइट आपकी क्या होगी है, लाइव होगी है इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, अब उसके साथ क्या है, जब वेबसाइट आपके पास लाइव हो जाती है तो उसके साथ दो चीजें क्या करती है, इंटरेक्ट करती है. कितनी चीजें इंटरेक्ट कर सकती है, करती है एक और दो. ठीक है, एक जो चीज है वो क्या होती है, गूगल इंटरेक्ट करता है. ठीक है, गूगल उसे क्रॉल करता है. दूसरी जो चीज इंटरेक्ट करती है वो क्या है, आपका यूजर इंटरेक्ट, जो यूजर आपकी वेबसाइट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. तो अब आपके पास दो जो हम टूल्स हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, एक गूगल सर्च कंसोल और दूसरा क्या है, गूगल एनालिटिक्स. इनमें आपको मेनली जो आपको अगर आपको बताता चलूं कि आपके पास जो मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, बेसिकली आपकी वेबसाइट, आपके जो वेबसाइट पे आने वाला यूजर है उसके जो बिहेवियर है उसे क्या करता है, ट्रैक करता है. ठीक है, उसके बिहेवियर को ट्रैक इस तरह से करता है, वो किस कंट्री से आया है. ठीक है, उसकी एज क्या है, वो किस एक्सेसरीज के थ्रू आया है, या किस मोबाइल के थ्रू आया है, या वो लैपटॉप के थ्रू आया है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं थ्रू गूगल एनालिटिक्स के. अब हमारे पास जो आता है कि गूगल वेब मास्टर जो है, गूगल सर्च कंसोल की क्यों जरूरत पड़ी है. बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी वेबसाइट जब लाइव होती है तो उसके साथ दो चीजें इंटरेक्ट करती है, एक यूजर इंटरेक्ट करता है, दूसरा कौन इंटरेक्ट करता है, गूगल. मैंने आपको बताया था जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो सर्च इंजन क्या सबसे पहले काम करता है, उस वेबसाइट को क्या करता है, क्रॉल करता है. कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपकी इंटरनेट के ऊपर आती है तो गूगल उसे सबसे पहले, गूगल के क्रॉलर्स उसे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं. तो बेसिकली हम वेब मास्टर क्यों यूज करते हैं, सॉरी गूगल सर्च कंसोल क्यों यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं कि हम ये ट्रैक कर सके कि हमारी वेबसाइट का जो बिहेवियर है वो गूगल के साथ कैसा है. ठीक है, कि जब गूगल का बोट या जब गूगल उसे क्रॉल करने की कोशिश करता है
तो वो क्या है, हमारी वेबसाइट का बिहेवियर क्या होता है, क्या हमारी वेबसाइट पे कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है, वो वेबसाइट की स्पीड तो नहीं स्लो, वेबसाइट में किसी टाइप के कोई हैक वगैरह तो नहीं है, गूगल की तरफ से कोई पेनल्टी तो नहीं है, या गूगल को कोई मुश्किल तो नहीं हो रही हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने में। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। मैं रिपीट करता चलूं, हम दो प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, एक अभी जो है हम स्टडी कर रहे हैं, दूसरा क्या है गूगल एनालिटिक्स को स्टडी करेंगे। इन मेनली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, गूगल एनालिटिक्स जो है वो किसके बिहेवियर को ट्रैक करता है, आपके यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करता है। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर आता है तो उसे वो क्या करता है, ट्रैक करता है। उसके बाद क्या आता है, जो सर्च कंसोल है वो किसे ट्रैक करता है, आपकी वेबसाइट का जो बिहेवियर है गूगल के साथ, उसे क्या करता है, जो है गूगल सर्च कंसोल वो क्या करता है, ट्रैक करता है उसके बिहेवियर को कि उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रहे। इसलिए क्या करते हैं हम अपने गूगल सर्च कंसोल को क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगला अब आप जो इसके साथ जो है वो चीज देखेंगे, बेसिकली हमें जो है यूज क्यों करते हैं, हम जो गूगल सर्च कंसोल है हम इसे यूज क्यों करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया है कि हम इसे के साथ क्या कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं बिहेवियर को कि हमारी वेबसाइट कैसे बिहेव कर रही है। जब गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है कि हमारी वेबसाइट किस चीज के रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट के अंदर पेजेस कितने हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेसिकली थ्री पर्पसेस में से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कि आपकी जो वेब जो है सर्च कंसोल वो किस लिए यूज किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और क्या है ट्रबल शूट के लिए। ठीक है, सबसे पहले मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और क्या है ट्रबल शूट के लिए। मॉनिटरिंग में अभी मैं आपको जस्ट इसकी एक ओवरव्यू देता चलूं इन तीनों टर्म्स का। मॉनिटरिंग में आप क्या क्या करते हैं कि जब आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई क्रॉलर आया है, ठीक है, वो क्या है उसने उसे कोई क्रॉल करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कोई इंफॉर्मेशन फेच करने में जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारे आप क्या कर रहे होते हैं, आपकी चीजें जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपकी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, आपकी वेबसाइट का कोई पेज जो है वो गूगल को इस वक्त समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो सारी आप चीजें क्या करते हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू गूगल सर्च कंसोल के। मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस बेसिकली ये होती है कि गूगल की तरफ से कोई अपडेट आता है, गूगल कहता है कि मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल अब गूगल की सबसे जो बड़ी अपडेट आई है वो वेब कोर वाइटल्स है और उसके बाद मोबाइल के रिलेटेड है। अब चाहते हैं कि गूगल की तरफ से फॉर एग्जांपल कोई आई है अपडेट आई है, वो कहता है कि मैं जो है गूगल में सबसे ज्यादा जो जिस वेबसाइट को प्रायोरिटी दूंगा वो किस बेसिस पे दूंगा कि जिसकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से क्या होगी, डेवलप होगी। तो इन चीजों के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। कोई एरर आ जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस चीज के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। ट्रबल शूट में क्या होता है, ट्रबल शूट का बेसिकली पर्पस होता है कि जब आप कोई एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रबल शूट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना और इस चीज का सोल्यूशन निकालना, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग कहलाते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल हम बेसिकली इन तीन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, फॉर मॉनिटरिंग, फॉर मेंटेनेंस और फॉर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गए हैं, आपके पास थ्री जो है पर्पसेस आ गए हैं आपके पास गूगल सर्च कंसोल को यूज करने के लिए। अब मैं आपके साथ क्या है अपनी जो है वो जो है स्क्रीन मजीद आगे शेयर करूंगा। आगे स्क्रीन शेयर थी असद, आगे स्क्रीन शेयर थी, ठीक है, थैंक यू। सो बेसिकली आप जब गूगल सब मुझे काइंडली एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, विजिबल। सो अब देखना है कि हमें जो है हम गूगल सर्च कंसोल को क्या कर सकते हैं, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना होता है, इधर जाके आप क्यूरी करते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, आप सिंपल इस तरह से इसे करते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप क्या करते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर स्टार्ट नाउ के ऊपर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो शायद आपके पास क्या है वो इस तरह से, क्या आप लोग साथ साथ जो है वो बेशक इसे साथ साथ करते जाए, इस तरह से आपके पास क्या है विंडो शो नाउ।
क्यों? बिकॉज अभी तक आपने अपनी वेबसाइट को क्या है, गूगल सर्च कंसोल के साथ क्या है, अटैच नहीं किया या इंटीग्रेट नहीं किया। इंशाल्लाह अभी अभी हम सीखेंगे कि बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। सो बिकॉज मेरी वेबसाइट जो है ये इस वक्त इसके साथ अटैच है, तो आप सिंपली इस तरह जो है वो देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट को गूगल अच्छी तरीके से क्या है, वेबमास्टर जो है वो मॉनिटर कर पा रहा है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो इन सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। सो अगर आपके पास जो है आपके पास गूगल का सर्च कंसोल का आपके पास नहीं है कोई भी, आपके पास आप जो है साइन अप करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? सिंपली आपने जाना है और अपनी कोई भी इस वक्त जो है आईडी जो है उसके साथ लॉग इन करके या साइन अप करके आप क्या कर सकते हैं, अपना सर्च कंसोल जो है वो बना सकते हैं। लेट्स सी मेरे पास कौन से इस वक्त अवेलेबल है, मेरे पास सब इसके ऊपर बने होंगे। इसके पास मेरे पास एक ये देखिए, ये मेरे पास इसकी नहीं है, ठीक है, ये जो मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट्स है वो है प्रॉपर्टी। अगर मैंने कोई भी इसके पास साइन अप करना हो, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है साइन अप गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे। अगर आपकी गूगल आईडी जो है वो गूगल के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, वो डायरेक्टली क्या करेगा आपको इस चीज में, आपको क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा, और आप इस तरह से आपका जो इंटरफेरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब आता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कि आप फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक स्पेसिफिकली वेबसाइट है उसे इंटीग्रेट करूं, ठीक है, इंटीग्रेट करूं ताकि गूगल सर्च कंसोल जो है वो मेरी वेबसाइट को क्या कर सके, ट्रैक कर सके और देख सके कि बेसिकली मेरी वेबसाइट किस चीज के रिलेटेड है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डोमेन क्या होती है आपकी, प्रॉपर्टी होती है, और आपकी वेबसाइट क्या होती है आपकी, प्रॉपर्टी है। इस वक्त मेरी ये जो जीमेल है इसके ऊपर मुझे मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज ऐड है, दो प्रॉपर्टीज ऐड है। मैंने जैसे आपके सामने देखा है कि मैं अगर दूसरी अपनी गूगल सर्च कंसोल की कोई आईडी लॉगिन करता हूं तो मेरे पास उधर कितनी वेबसाइट लॉगिन है, इस वक्त कितनी की एक्सेस है मेरे पास, एक दो, दो जो है मेरे पास इस वक्त अपनी जो है वेबसाइट जो है वो वेरीफाई है दूसरी अपनी आईडी के ऊपर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, इसके बाद हम क्या करते हैं आगे वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि बेसिकली हम अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जी क्वेश्चन कीजिएगा, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। एक सर्च कंसोल में एक से ज्यादा साइट्स कितनी मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं एक ही ईमेल आईडी के ऊपर, एक ही सर्च कंसोल के ऊपर? अभी तक जो है मैंने तीन की हुई है, तो मैं अभी इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, तीन चार पांच तक आप क्या कर सकते हैं ऐड, ठीक है, अगर बेशक डिफरेंट निशेज भी हो तो आप यहाँ तक एक, जी वो आप कर सकते हैं, बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है, अच्छा क्वेश्चन है कि फातिमा के आपने सिंपल साइन अप कैसे करना है, सर्च कंसोल क्या है, ठीक है, सर्च कंसोल आपका क्वेश्चन है कि सर्च कंसोल बेसिकली क्या है। सर्च कंसोल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गूगल की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जो कि मॉनिटर करता है वेबसाइट का बिहेवियर को जब वो गूगल के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, ठीक है, जब वो गूगल के ऊपर लाइव होती है उसे क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए जो है प्लेटफॉर्म जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, गूगल सर्च कंसोल कहलाता है, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए क्या यूज होता है, गूगल एनालिटिक्स का जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो यूज होता है। अब देखना है कि बेसिकली गूगल जो है सर्च कंसोल जो है वो यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली यूज किया जाता है आपकी वेबसाइट की ओनरशिप को प्रूव करने के लिए कि वाकई आप इस वेबसाइट के क्या है, ओनर है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, साइट मैप अपनी वेबसाइट का देते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो बताते हैं आप गूगल को कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी वेबसाइट में पेजेस कितने हैं और क्या है उसमें जो है, आप देखते हैं कि गूगल ने उस चीज को क्रॉल कैसे करना, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं गूगल को एज अ यूजर एंड जो है वो यूज हम क्यों करते हैं इस गूगल सर्च कंसोल को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कैसे किया जाता है। ये मेरे पास क्या है,
कि एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी एक क्या है, वेबसाइट ओपन है। मैं अभी से क्या करता हूँ, इसे आप लोगों के सामने वेरीफाई करने की जो है वो आपको बताता हूँ कि आप इस चीज को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब आप आते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, तो आपको इस तरह से ऑप्शन आता है, आपने वेबसाइट कोई भी ऐड करनी हो, आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर करेंगे, ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब गूगल क्या कहता है, गूगल सर्च कंसोल क्या कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को मेरे सर्च कंसोल के साथ किस तरह से अटैच कर सकते हो, दो तरीकों के थ्रू कर सकते हो। एक आपके पास आता है DNS, ठीक है, कौन सा आपके पास वेरिफिकेशन मेथड आता है, DNS। दूसरा आपके पास कौन सा, आपके पास जो है मेथड आपको गूगल जो है वो देता है, वो कौन सा है, URL प्रीफिक्स। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दोनों तरीकों के साथ क्या करता हूं, बताता हूं कि आप किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को इन चीजों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड कर सकते हैं। ये मेरी एक वेबसाइट है, मैंने इसका क्या है सिंपल यहां से इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं कौन से तरीके के थ्रू वेरीफाई अपनी वेबसाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, DNS, मैं रिपीट करता चलूं, DNS, इस मेथड को कहते हैं DNS के थ्रू मैं आप क्या कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, वो इस तरह से कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना चाहते हो DNS के थ्रू, तो क्या करें, ये जो कोड है इसे क्या करें, जो है अपना जो DNS है, अब मैं आपको बताता चलूं DNS किसे कहते हैं। DNS बेसिकली क्या होता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे GoDaddy, ठीक है, Namecheap, ये क्या आपके DNS क्या होते हैं, इसमें आप जाके क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की ओनरशिप को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मैं इधर से कॉपी करूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, जो DNS में यूज करूंगा वो कौन सा यूज करूंगा, Namecheap का। आप सिंपल यहाँ पे Namecheap पे आएंगे, ठीक है, और ये क्या है, मेरी जो भी इस वक्त मैंने डोमेन्स ली हुई है वो सारी मेरे पास सामने आ जाएगी। मैं आऊंगा सिंपल डोमेन लिस्ट के ऊपर आऊंगा, और यहाँ पे मेरे क्योंकि है drivinggloves.us, मैं इसे क्या करूंगा, मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, एडवांस DNS के ऊपर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और इधर मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको, ये मेरे पास आगे ऐड है, मैं इसे क्या करता हूं, इसे ये देखिए ऐड न्यू रिकॉर्ड आपके पास आ रहा होगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड आपने यहां पे आना है, और ये TXT रिकॉर्ड किस पे आना है, TXT रिकॉर्ड पे आना है। मैं दोबारा रिपीट करता चलूंगा, Namecheap आपने खोलना है, ठीक है, ये Namecheap जब आप खोलेंगे तो इस तरह से क्या आएगा, आपके पास डैशबोर्ड नजर आएगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपकी जितनी भी आपने जो डोमेन्स ली होंगी वो क्या होंगे, आपके पास सारी नजर आएंगी। मैं क्योंकि इस वक्त फिंगर जो है वो drivinggloves.us को क्या करना चाह रहा हूँ, वेरीफाई करना चाह रहा हूँ या गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसे क्लिक करूंगा, मैनेज के ऊपर आके क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक आपके पास ऑप्शन आएगी एडवांस DNS, आपने एडवांस DNS के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप एक्शन के आपके पास इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगी होस्ट रिकॉर्ड के नीचे, आपने क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लीज 5 मिनट वेट करें। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ इश्यू आ रहे हैं, प्लीज वेट।
अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग काइंडली बता दें, आप लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नोट डाउन उतनी देर कर लेते हैं, तो वो फिर आपकी उसी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप वो अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहते हैं आपका? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमने वेबसाइट हमारा पहला लेक्चर तो वेबसाइट बनाने का होना चाहिए था, मतलब अभी तो हमने वेबसाइट भी नहीं बनाई, तो पहले ही ये गूगल कंसोल का हम लेक्चर ले रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो अभी हम क्या थे, हम किस मेथड पे थे, हम किस स्टेप पे थे? अभी हम क्या कर रहे थे, अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर रहे थे या गूगल सर्च कंसोल के साथ ऐड करने का एक तरीका जो है वो देख रहे थे, जो के जिसे क्या हम कहलाते हैं, क्या कहते हैं, DNS वेरिफिकेशन। DNS हाँ, DNS। इसमें आप क्या करते हैं, अनम्यूट हो गया आई थिंक। ओके सो मैं यहाँ पे था, मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, डैशबोर्ड पे आपने आना है, ठीक है, ताकि मेरा फ्लो जो है दोबारा बन जाए। मैं अपनी डैशबोर्ड में आता हूँ और मैं यहाँ पे जितनी भी डोमेन्स हैं और मैं अपनी रिक्वायर्ड जो डोमेन है उसमें क्या करूँगा, आके मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा और कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, एडवांस DNS के ऑप्शन में आके जो है वो क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इधर आना है, एड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्या कर देना है, टेक्स्ट के ऊपर क्या कर देना है जो है इसके इस ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। बिकॉज अगर आप इधर आते हैं तो गूगल क्या कह रहा है कि आपने ये देखिए उसकी तरफ से ये आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, वो कह रहे हैं साइन अप योर डोमेन नेम प्रोवाइडर गो डैडी ओ नेम चीप, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ये जो TXT जो है आपको, मैं ये जो कोड दे रहा हूं आपने इसे क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है और इसे जाके क्या करना है आपने ऐड करना है। मैं सिंपल इधर जाके ये वाली वैल्यू ऐड करूंगा, एट द रेट वैल्यू एड, और यहाँ पे क्लिक सिंपल इसे पेस्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर मैं क्लिक कर दूंगा सेव के ऊपर, ये जो आपके पास टिक ऑप्शन आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विद इन ना लाइक 15 और 20 मिनट्स के बाद आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड क्या है, आपके पास DNS के थ्रू आप अपनी जो वेरिफिकेशन जो है वो जिस तरह से प्रूव करते हो वो ये इस मेथड के थ्रू या इस तरीके के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो है वो ओनरशिप को प्रूव कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास एक रीक हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास गूगल जो हमें देता है, जो ऑप्शन हमें देता है वो कौन सी है आपके पास, अल्लाह का भला करे, वेरीफाई, मैं बैक के ऊपर जाऊंगा। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो ये है कि ये मैंने आपको अब जो है तरीका बता दिया। अब उसमें आ रहा है आपके पास URL prefix। अब इसमें दो आपको मैं तरीके दो चीजें बताता चलूं, इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप डोमेन के थ्रू अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे या आप इसके मेथड के थ्रू आप रजिस्टर करेंगे, वो मैंने देखिए US के साथ ड्राइविंग जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तरीका सेम ही, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब दो तरीके आपके पास आते हैं, एक डोमेन और URL prefix। डोमेन का मेथड आप उस वक्त चूज करें जब आपकी वेबसाइट क्या है, driving gloves.us, जब इसका एक वर्जन होगा।
अगर इसके आगे जितने भी जो वर्जन होंगे लाइक ब्लॉग होगा या जितने भी आगे इसके वर्जन होंगे वो क्या करेगा, गूगल ऑटोमेटिकली जो वेब मास्टर के साथ क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये आप उस वक्त क्या करें, मेथड आप यूज करें। ये सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, रिकमेंडेड होता है, ताकि आपकी वेबसाइट का कोई भी वर्जन जो है वो मिसप्लेस ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट जो है वो इस वर्जन में है, HTTP में है, ठीक है, तो इसके साथ मैं जितने भी इस वेबसाइट की या इस driving gloves.us के जितने भी वर्जन होंगे वो क्या हो जाएंगे, गूगल वेबमास्टर के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। अगर मेरी वेबसाइट इस फॉर्मेट में है www.driving.gloves.us, मेरी वेबसाइट इस फॉर्मेट में भी है तो वो क्या हो जाएगा, गूगल के साथ क्या हो जाएगी, गूगल वेबमास्टर में क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी या क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। तो आपके लिए इसलिए आपको क्या जो है मैं प्रेफर करूंगा, आपने ये वाला जो है तरीका आपने क्या करना है, यूज करना है DNS का। अब दूसरा आपके पास आता है कि अगर आपकी वेबसाइट के डिफरेंट वर्जन है, लाइक HTTPS आपका एक वर्जन है, HTTP आपका एक वर्जन है, www आपका कोई एक वर्जन है, या /blog या blog.drivinggloves.us है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक एक जो है वो URL prefix को आप क्या करें, कॉपी करें और इधर आके क्या करें, पेस्ट करें। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ये डोमेन है drivinggloves.us, मैं इसे सिंपल क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और इधर आके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये क्या है, इस वर्जन के साथ मैंने क्या किया, कंटिन्यू करूंगा। DNS में जब आप एक चीज जब आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपके पास सिर्फ एक तरीका होगा कि आपने DNS मतलब आपका जो नेम प्रोवाइडर है या जहां से आपने डोमेन ली है वो क्या करेगा, आपको सिंपल वहां पे जाके, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ वही तरीका है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की ओनरशिप जो है वो प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किसी भी एक तरीके के साथ क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं या अटैच कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ। आपके पास आता है कि HTML जो फाइल है, आप इसे सिंपली क्या करें, इसे कॉपी करें और इसे जाके अपनी वेबसाइट के जो है आई थिंक सी पैनल, हाँ, उसमें आप जाके क्या करें, इसे आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जो इसमें हम तरीका जो यूज करेंगे वो ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, HTML टैग जो है, HTML टैग ये सबसे आसान तरीका है और सबसे जो है जल्दी क्विक जो है वो मेथड है, जिसमें इन विद इन अ मिनट आपकी जो है वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है गूगल की तरफ से। आपने सिंपल क्या करना है, इसे कॉपी करना है, ठीक है, और अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे आप आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे और आपने जाना है थीम सेटिंग के अंदर, ठीक है। थीम सेटिंग के अंदर आप जाएंगे, आप जनरल में आएंगे, सॉरी आप आएंगे इसमें अपनी, आप अपनी वेबसाइट के इधर थीम जो है एडिटर उसमें आएंगे, जनरल के ऊपर आपने क्लिक किया, सॉरी थीम्स में आपके, थीम्स में आपके, और आपने जाके क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना, वेट अ मिनट, थीम सेटिंग में जनरल, जनरल में आ गया, प्लीज अलाउ मी फ्यू मिनट्स, मैं वो ऑप्शन ढूंढ लूं इधर मेरे पास होगा। फैसल आप इस इधर इस वक्त हमारे पास कोई है, फैसल कांडी, फैसल अनम्यूट होइएगा कांडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनरल लेआउट है? नहीं सर, इसमें थीम अपीयरेंस में जाके, थीम में अपीयरेंस में, वहां पे कर सकते हैं।
इसका आसान हल होता है कि आप हेड एंड फुटर के नाम से प्लगइन है वो यूज करें आप एड्स जी उसमें इसमें ये है कि आपको तरीका बताना है कि बेसिकली इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं थीम फाइल एडिटर में थीम लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने गलत कोड पेस्ट कर दिया तो फिर ये वेबसाइट भी नहीं चलेगी मैं उसका आसान तरीका बताता हूँ ठीक है आसान तरीका बताता हूँ कि अपीयरेंस में आना है ठीक है और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे उसमें आपने आना है थीम फाइल एडिटर में थीम फाइल एडिटर में जब आप आएंगे उसके बाद आपने क्या करना है अपना जो है थीम जो है वो सिलेक्ट करना है इसमें फंक्शनलिटी चेंज है सर आप हेड एंड फुटर के नाम से एक प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा जितने भी हेड एंड के पास अब देखिए आपके पास मल्टीपल जो है वो हमने तरीके बताने कि आप किन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं अब इधर आपने क्या करना है हेडर के नाम से आपके पास एक फाइल होगी ये देखिए थीम हेडर header.php के नाम से ठीक है आपने यहाँ पे आना है सिंपल आपने अपनी वेबसाइट का जो हेडर है जो ये फर्स्ट टैग आपके पास आ रहा होगा हेड का आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या कर देना है उस कोड को आके क्या कर देना है पेस्ट कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है अपडेट फाइल कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट की जो है वो ओनरशिप जो है वो अप्रूव हो जाएगी ठीक है दूसरा आपके पास जो तरीका होता है जो सबसे आसान तरीका है वो है Yoast SEO के थ्रू आपने Yoast SEO का जो प्लगइन है उसे आपने इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के अपनी वेबसाइट में ये एक जनरल प्लगइन है जो कि सारे जो SEO के पर्सन है वो यूज करते हैं आपने जनरल के ऊपर क्लिक करना है ठीक है और यहाँ पे आपके पास इस तरह से क्या होगा आपके पास ये इसका जो है इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा आपने डैशबोर्ड फीचर्स इंटीग्रेशन और इसके बाद क्या आना है वेब मास्टर टूल्स के ऊपर आना है और यहाँ पे आपके पास क्या है डिफरेंट है बेदू के ऊपर अगर आप वेब मास्टर की वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं बिंग के ऊपर करवाना चाह रहे हैं गूगल के ऊपर करवाना चाह रहे हैं या येंडेक्स के ऊपर करवाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है गूगल वेरिफिकेशन कोड के ऊपर आना है और इसके थ्रू आपने क्या करना है अपनी वेबसाइट का जो है वो कोड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है तो आपकी वेबसाइट जो हो जाएगी वो प्रूव हो जाएगी ठीक है यहाँ पे आप आएंगे और इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी वेबसाइट जो है वो ओनरशिप आपकी अप्रूव हो जाएगी वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी जो होगी वेबसाइट वो हो जाएगी वेरीफाई हो जाएगी ये ओनरशिप अभी आपके पास थोड़ी देर बाद जब आप चेक करेंगे ये आपके पास क्या हो जाएगी वेरीफाई हो जाएगी आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे तो ये विद इन 15 मिनट्स ये आपकी क्या हो जाएगी आपकी अप्रूव हो जाएगी ये अभी नॉट वेरीफाइड आ रहा है थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी आपके पास वेरीफाई हो जाएगी तो ये क्या होंगे आपके पास तीन तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की जो है वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं दूसरा ये था जो मैंने आपको पहला जो है आपने क्या करना है आपने जो DNS के थ्रू करते हैं दूसरा आपने क्या करना है अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस सेक्शन में आना है थीम्स में अपना आना है इधर अपीयरेंस में आके थीम फाइल एडिटर के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से क्या करना है सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डायरेक्टली आ जाना है इधर आपने सर्च करना है हेडर के नाम से हेडर डॉट ये आपके पास फुटर है इधर आपके पास होगा हेडर आपने हेडर जो है उसे सर्च करना है ये देखें आपके पास हेडर डॉट पी एच पी के नेम से आ रहा होगा आपने सिंपली क्या करना है कि जो हेडर के बाद जो आपके पास अगला टैग आ रहा होगा ठीक है आपने ये देखें हमारे पास ये लगा हुआ है आपने सिंपली से क्या करना है आके पेस्ट कर देना है और इधर आके क्या कर देना है अपडेट फाइल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी आपकी वेरिफिकेशन जो हो जाएगी वो अप्रूव हो जाएगी तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं गूगल वेब मास्टर के साथ हमने तीन तरीके सीखे थ्रू DNS थ्रू उसके बाद क्या है URL प्रीफिक्स के थ्रू URL प्रीफिक्स बेसिकली क्या है कि जब आप URL प्रीफिक्स के साथ आप अपनी ओनरशिप को अप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या होते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं उस चीज को आप अप्रूव करने के लिए हम इसे वेरीफाई लेटर के ऊपर करते हैं और थोड़ी देर बाद इसे दोबारा चेक करेंगे
तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने कोई भी आपकी अपनी जीमेल जो है आपने उसे लॉग इन करना है, और आपके पास अगर आपके पास पहले कोई भी वेबसाइट जो है वो ऐड नहीं होगी, आपके पास इस साइड पे आपके पास टॉप पे एक वेब आपके पास एक कॉलम आ रहा होगा जिसमें आ रहा होगा ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आप अपनी एक नई डोमेन जो है वो उसे ऐड करें। मैंने आपके सामने ऐड प्रॉपर्टी किसे किया, ड्राइविंग डॉट ड्राइविंग ग्लव्स डॉट यूएस को क्या किया मैंने ऐड किया है, और इस तरह से मैंने क्या किया है उसे इसके साथ किया है ऐड किया है। जब मैंने ये देखें ये फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक और वेबसाइट जो है वो शेयर करता हूं, अगर आपने उसे भी अप्रूव करवाना हो तो। मेरे पास इस वक्त मल्टीपल डोमेन्स पड़ी है, डैशबोर्ड पे आना है। एक वेबसाइट है जो आपने सिंपल कॉपी करना है, और डीएनएस के थ्रू अगर वेरिफिकेशन करवानी है तो इसका एचटीटीपीएस को रिमूव कर देना है, और इस तरह से क्या जब आप करेंगे gloves.com अपने एचटीटीपीएस जो है उसे खत्म कर देना है, और आखिर पे जो स्लैश है उसे भी क्या कर देना है, खत्म कर देना है। आपने सिंपल अपनी वेबसाइट की जो डोमेन है .com में ली हुई या .uk में ली हुई है उसे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, उसे क्या कर देना है कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और इस कोड को कॉपी करना है, अगर आपके पास अगर आपने ये क्योंकि मैंने ये जो डोमेन है किसी और अकाउंट से नेमचीप के बाय की हुई है उसे क्या करना है इसलिए वो इधर अवेलेबल नहीं है। आपने सिंपल अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेबसाइट है drivingglove.usa क्योंकि मैं ऐड कर चुका हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है अगर fingerlessgloves.us के नाम से, इसे मैं मैनेज पे आऊँगा सिंपल, और इधर आऊँगा एडवांस डीएनएस के ऊपर। एडवांस डीएनएस के ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा तो सिंपल मुझे क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर जाना है, क्लिक करना है, और टीएक्सटी रिकॉर्ड जो है इसे ऐड करना है। मैं सिंपल अपनी पहली वैल्यू ऐड करूँगा, एट द रेट आपने ऐड करना है, और उसके बाद जो कोड आपको दिया गया है उसे आपने क्या करना है यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और उसे वेरीफाई कर देना है। तो ये आपकी डीएनएस के थ्रू क्या हो जाएगी, आपकी जो है आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी गूगल सर्च कंसोल के साथ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिएगा कैंडी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ तक कर सकता है, इसके बाद हम अगले टॉपिक तक मूव करते हैं। अनम्यूट कीजिएगा किसी एक को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि हम लोग को ये वेरिफिकेशन जो है ये क्यों करना जरूरी है, इसके लिए क्या रीजन है, वेरिफिकेशन कितनी हम लोग करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन आपके अप्रूव देते हैं, आप प्रूफ देते हैं गूगल को कि आप इस वेबसाइट को क्या करते हैं ऑन करते हैं। बिकॉज अब गूगल आप किसी ऐसी हरी गहरी वेबसाइट को उठा के तो मॉनिटर नहीं करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज हर एक की क्या होती है एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक की क्या होती है प्राइवेसी होती है। तो आप क्या करते हैं सर्च कंसोल किस लिए यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट की जो प्रॉपर्टी है उसे ओनरशिप को अप्रूव करवाने के लिए कि बेसिकली इस वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ ऑन करता हूँ। तो इसलिए आप क्या करते हैं इस चीज को आप क्या करते हैं वेरीफाई करवाते हैं सर्च कंसोल के साथ, ठीक है। तो तब तक गूगल जो सर्च कंसोल है आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक आप उसे क्या करेंगे वेरीफाई नहीं करेंगे। ये आप देखें मेरे पास क्या है, एक मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त ये दो मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस वक्त वेरीफाई हैं, उसे मैंने क्या किया हुआ इधर ऐड किया, और इस वक्त जो है गूगल मुझे गूगल सर्च कंसोल के मुझे सारी जो भी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसलिए आपके पास क्या होती है इम्पोर्टेंट होता है आपको अपनी जो है वेरिफिकेशन करवाना। जी सो यहाँ तक हो गया। अब हमारे हम आते हैं कि इंटरफेरेंस का हमने समझना है कि बेसिकली जो हमारे पास गूगल सर्च कंसोल है वो नजर किस तरह से आता है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया है कि यूजर एंड से जो है वो सर्च कंसोल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है।
अब हमने देखना है कि गूगल जो है वेब मास्टर जो आपके पास गूगल सर्च कंसोल है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या क्या आपसे इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के क्या कर रहा होता है ले रहा होता है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो गूगल के पास जो बेसिकली जो गूगल इस चीज से आइडिया ले रहा होता है या अपनी वेबसाइट को आपकी जो चेक कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को चेक कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं आया, कि आपकी वेबसाइट कोई हैक तो नहीं हुई। तो वो क्या करता है इन ही तरीकों के थ्रू या मतलब इन्हीं गूगल सर्च कंसोल का जो प्लेटफॉर्म है इसी के थ्रू वो क्या करता है उस चीज को पता कर सकता है कि ये वेबसाइट जो है वो ब्रीच तो नहीं हुई या वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं हुआ। वो क्या करता है इस जो आपका गूगल सर्च कंसोल का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू उसे क्या करता है पता चलता है। दूसरा जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि गूगल की तरफ से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पेनल्टी डाली गई है कि गूगल की तरफ से आपकी वेबसाइट को कोई पनिश किया गया कि आपने वेबसाइट का गूगल का कोई रूल अगर आपने ब्रेक किया है या गूगल का कोई एल्गोरिथम तोड़ा है तो गूगल किस आपको क्या करता है इसी के थ्रू आपको क्या करता है आपको इन्फॉर्म करता है कि आपने इस रूल को क्या है ब्रेक किया है। तो गूगल की जितनी भी आपकी इस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी बिहेवियर होगा या जब आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल करता है तो वो इन्हीं तीन तरीकों का क्या करता है यूज करता है और इन्हीं के थ्रू आपको क्या करता है आपको बता रहा होता है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं आ गया, आपकी वेबसाइट में कोई हैक तो नहीं आ गया। और यहाँ से आपको वो क्या करता है आपको पेनल्टी डालता है क्योंकि वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट को बेसिकली क्या कर रहा होता है मॉनिटर कर रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के एक एक पेज को मॉनिटर कर रहा होता है। और जब गूगल का क्रॉलर उस वेबसाइट के साथ आके इंटरेक्ट करता है वो इसका क्या कर रहा होता है यहाँ पे आके उसका बिहेवियर क्या कर रहे होते हैं ट्रैक कर रहे होते हैं। तो गूगल यहाँ से आपके अगर कोई भी आपके पास पेनल्टी आती है तो गूगल का जो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ठीक है मैसेजेस का, आप लेगेसी में आएंगे ठीक है ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में, तो मैनुअल एक्शन में जब आपके पास आएगा तो यहाँ पे गूगल आपको क्या करेगा आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी ब्रीच आया है या आपकी वेबसाइट हैक तो नहीं हुई, तो वो यहाँ पे आपको क्या कर देगा आपको बता देगा। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई सिक्योरिटी इशू है कि आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा माइनस पॉइंट तो नहीं है या आपके वेबसाइट में कोई वीक पॉइंट तो नहीं है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो सकती है, तो वो क्या कर सकता है गूगल यहाँ से आपको क्या कर सकता है आपको इन्फॉर्म कर सकता है थ्रू सर्च कंसोल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गूगल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप गूगल को मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं गूगल को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट के साथ जब गूगल का क्रॉलर है तो इंटीग्रेट मतलब इंटरेक्ट करता है तो उसका क्या बिहेवियर कैसा है ठीक है। तो यहाँ पे आप ओवरव्यू में देखते हैं तो आपकी वेबसाइट का आप देखते हैं कि वेबसाइट का बिहेवियर कैसा है कि वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स कितने आए हैं ठीक है। उसके बाद कवरेज जो है आपकी वेबसाइट के कितने पेज जो है गूगल ने क्रॉल किए हैं और कितनों को उसने क्या किया है मतलब छोड़ दिया वो उसे क्रॉल नहीं कर सका। इस वक्त दो जो है एरर्स है मेरे पेज में और 794 जो है जो हमारे पास पेजेस है ये एलिमेंट्स है उन्हें क्या किया हुआ है गूगल ने क्या किया हुआ है क्रॉल किया हुआ है। उसके बाद ये आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है ये इंशाल्लाह अभी हम क्या करते हैं बारी बारी इस चीज को हम इस सारे जो आपके पास टूल बार है हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आपके पास क्या आता है कि यूजर एंड से आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट की बिहेवियर को देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो बिहेवियर है वो किस तरह से है गूगल के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रहा, उसमें कोई साइट कोई सिक्योरिटी की अगर वेबसाइट का कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो ये ना हो कि आपकी वेबसाइट का कोई जो है पेज वो उसे क्या कर रहा हो क्रॉल ना कर पा रहा हो। तो आप क्या करते हैं सर्च कंसोल के थ्रू आप क्या कर सकते हो अपनी ओनरशिप को क्या करते हैं प्रूव करते हो, जिस तरह से मैंने आपको DNS का मेथड बताया उसके बाद URL प्रीफिक्स का मेथड बताया तो उसके थ्रू हमने क्या किया बेसिकली ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड की है गूगल को कि बेसिकली मैं क्या करता हूँ इस वेबसाइट को क्या करता हूँ ओन करता हूँ। तो गूगल सर्च कंसोल को मैंने यहाँ पे अपनी ओनरशिप जो है वो अप्रूव करके दी है। उसके बाद आपके पास आता है साइट मैप आप जो है वो अभी अब आपको मैं बताऊंगा कि आप साइट मैप अपनी वेबसाइट का कैसे जनरेट करते हो, साइट मैप क्या होता है, रोबोट TXT को भी हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो यूजर एंड से हम क्या कर सकते हैं इन तीन चीजें जो है वो सर्च कंसोल के थ्रू क्या कर सकते हैं गूगल को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं अपनी ओनरशिप प्रूव कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू
हम अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप होता है, अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, हम वो क्या करते हैं, गूगल सर्च एंड सोल के थ्रू हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, गूगल के अंदर जो रोबोट टीएक्सटी फाइल्स होती है वो किसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि गूगल जो है सर्च कंसोल को किस तरह यूज करता है, वो किस तरह यूज करता है, वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को चेक करता है कि आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी वेबसाइट में अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है तो मैंने आपको जैसे बताया है कि वो आपको यहाँ पे आके क्या कर देता है, आपको इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद वो क्या आता है आपके पास, अगर आपके पास कोई पेनालिटी आपको गूगल करता है, आपको गूगल कोई पनिश करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली गूगल ने मुझे कब पनिश किया। गूगल ऐसा नहीं करता कि आपको एकदम ही आपकी वेबसाइट को पनिश किया और आपकी वेबसाइट को क्या कर दिया, उड़ा नहीं देता। ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले आपको वार्न करेगा, आपके पास कोई वार्निंग आएगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसे डिक्रीज कर देगा, आपकी वेबसाइट को जो है डी रैंक कर देगा, ये कुछ दिनों के लिए आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, गायब कर देगा फर्स्ट 100 पेजेस से, या इस तरह से वो क्या कर देगा, आपकी वेबसाइट को कुछ दिनों के लिए गायब कर देगा। लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा मैनुअल एक्शंस में कि आपने अगर कोई भी उसमें वेबसाइट का गूगल का कोई एल्गोरिथम ब्रेक किया होगा, कोई रूल ब्रेक किया होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस चीज का आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल आपको सिक्योरिटी जो भी इश्यूज होते हैं वो इस सर्च कंसोल के थ्रू आपको बता रहा होता है या मॉनिटर कर रहा होता है। आपकी पेनल्टी इंफॉर्मेशन जो होती है, कोई पनिश वगैरह आपकी वेबसाइट को अगर कोई हुआ है, या आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई गूगल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अपडेट्स के लिए, आप अपडेट्स ले सकते हैं। गूगल का एक नया फीचर आया कि गूगल आपको क्या करता है, आपको मैसेजिंग वगैरह करता है। ठीक है, गूगल की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज आया तो वो क्या करता है, यहाँ पे आपको क्या कर देता है, आपको इस तरह से बता देता है, आपको ईमेल की जाती है। ये देखें, ये जितने भी गूगल के जो मैसेजेस वगैरह हैं वो मुझे किसके थ्रू रिसीव हो रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। ये देखें, अब मेरी वेबसाइट में कोई कवरेज इशू आया है तो गूगल ने मुझे क्या किया है, 18 तारीख को उसने मुझे क्या किया है, ईमेल किया कि आपकी वेबसाइट पे ये जो है इशू है, आप इसे क्या करें, रिजॉल्व करें। तो गूगल इन तीन तरीकों को क्या करता है, इन तीन जो बेसिकली तीन तरीकों से आपकी वेबसाइट और यूजर जो गूगल की जो सॉरी आपकी जो वेबसाइट होती है और क्रॉलर के दरमियान क्या करता है, एक इंट्रैक्शन पैदा करता है। यूजर का मैं आपको रिपीट करता चलूं कि ओनरशिप प्रूव करने के लिए आप यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल, आप अपना साइट मैप जो है वो सबमिट करवाते हो सर्च कंसोल के थ्रू, आप रोबोट टीएक्सटी फाइल जो है वो सबमिट करवाते हो क्या, सर्च कंसोल के थ्रू। गूगल के एंड से क्या होता है, गूगल क्या कर रहा होता है, आपकी सिक्योरिटी को चेक कर रहा होता है सर्च कंसोल के थ्रू। पेनालिटी इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है कि आपकी कोई अगेन वही कोई पनिश वगैरह होते हैं, वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। कोई अपडेट्स वगैरह होती है तो वो क्या करता है, गूगल आपको सर्च कंसोल के क्या थ्रू आपको बता देता है। बिकॉज आप गूगल को डायरेक्टली मैसेजिंग वगैरह नहीं कर रहे होते, आप सिंपल क्या कर रहे होते, मॉनिटर कर रहे होते चीजों को, और उस बिहाव पे आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हो या करते हो, इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हो। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इस गूगल को गूगल सर्च कंसोल को आप बेसिकली यूज करते हो। आज हम जो बेसिकली चीजें पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम जो चीजें स्टडी करेंगे वो आप देखें कि हमारी वेबसाइट जब आप गूगल का सर्च कंसोल जो है वो आप खोलते हो तो आपके एक साइड क्या आ रहा है, आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आ रहा होता है, एक बहुत बड़ा सा क्या हो रही होती है, लिस्ट जो है वो आपको नजर आ रही होगी। उसमें आपके पास ओवरव्यू आ रहा होता है, परफॉर्मेंस आ रही होती है, यूआरएल इंस्पेक्शन आ रही होती है। इसे गूगल ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट जो है स्टेप्स में क्या किया हुआ है, इसे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन। इंडेक्सिंग के रिलेटेड आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपने बेसिकली याद रखना है कि आपने सिंपल इधर चीजों को क्लिक नहीं करना, आपने इन चीजों को नोट करना है कि मेरे अगर वेबसाइट में कोई इशू मैंने चेक करने हैं तो किस मेन्यू के अंदर होंगे, इंडेक्सिंग के अंदर होंगे। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के साथ जो है गूगल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो उसका क्रॉलर अगर मेरी वेबसाइट पे आया है तो उसका क्या है, एक्सपीरियंस कैसा अगर रहा है तो वो मैंने चेक करना है, तो वो किसके अंदर आएगा, एक्सपीरियंस के अंदर आएगा। उसके बाद अब मेरी वेबसाइट में मैं कोई इन्हांसमेंट करता हूँ अपनी वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको बताया था स्कीमा जो मार्कअप्स वगैरह आप ऐड करते हैं, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्हांसमेंट में आके क्या कर सकते हैं, आके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी के इश्यूज है तो वो क्या कर सकते हैं, आप इस मेन्यू को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी मेन्यू सिक्योरिटी और जितने गूगल की तरफ से आपको
मैसेजेस वगैरह या अगर कोई उसकी तरफ पेनल्टी है तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेगेसी टूल में क्या होगा, आप गूगल की तरफ से जो कि आपको गूगल बहुत अरसे से यूज करता आ रहा है, वो क्या करेगा, आपको यहाँ से सारी चीजें जो है वो आपको अवेलेबल होंगी। मैं रिपीट करता चलूंगा कि आपने इन चीजों को बेसिकली क्या करना है, याद रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई इंडेक्सिंग का इशू आप चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट में अगर कोई इंडेक्स का प्रॉब्लम आया है, मैंने आपको जैसे बताया है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे जब आप वेबसाइट अपनी लाइव करते हो तो गूगल सबसे पहले क्या स्टेप करता है, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, दूसरे स्टेप में वो क्या करता है, इंडेक्स करता है। तो आप देखते हो कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स है या नहीं इंडेक्स, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट का इंडेक्स वो जो स्टेप है उसको चेक करना चाह रहे हो, उसे मॉनिटर करना चाह रहे हो, तो वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कंसोल के इस जो मेन्यू है उसके थ्रू क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आपने इन मेन्यूज को क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। अब हमें इन एक एक मेन्यू को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सवाल लूंगा कि अगर यहाँ पे अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए, मैं इंशाल्लाह अभी उसका जो है साथ साथ जो है उसका आंसर कर देता हूँ ताकि आगे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, अनम्यूट कीजिएगा। Different between DNS and URL prefix. DNS basically आपको मैंने बताया जो domain name जो आपकी service होती है, जहाँ से आपने domain buy की होती है, वो क्या होती है? Domain DNS method होता है। DNS method में आप क्या करते हो? Simply जो Google की तरफ से code दिया जाता है, आप उसे क्या करते हो? आपने sorry website का जो domain है, उस DNS method में क्या करते हो? जाके paste करते हो, कंटिन्यू करते हो, उसे जो कोड आपको दिया जाता है, आपने जहाँ से डोमेन बाय की होती है, मैंने आपको जैसे वो तरीका बताया, आप सिंपल वहां पे जाके क्या करते हो, उस कोड को जाके पेस्ट करते हो, तो आपकी वेबसाइट की जो वेरिफिकेशन होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और यूआरएल प्रीफिक्स जो है मेथड होता है, यूआरएल प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर आपकी वेबसाइट के डिफरेंट वर्जन है, ठीक है, लाइक अगर आपकी वेबसाइट https में है, http में है, www वर्जन में है, आपकी वेबसाइट का कोई और वर्जन है blog.xyz, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इन अलग अलग क्या कर सकते हो, उसे आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट का एक ही अगर कोई वर्जन है, जैसे मैंने आपको drivinggloves.us है, मेरा एक ही वर्जन है, तो मैंने इस चीज क्या किया, सिंपली पूरी डोमेन को कॉपी किया और यूआरएल प्रीफिक्स में आके पेस्ट किया है, और उसके बाद उसने मैं क्या किया, मुझे डिफरेंट मेथड्स बताए हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। उसमें मैंने जो यूज किया है, सबसे पहले मैंने हेडर टैग जो मुझे गूगल की तरफ से दिया गया था उसे मैंने क्या किया, थीम जो फाइल होती है आपकी उसमें मैंने जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया हेडर सेक्शन में, और उसके बाद उसे फाइल को अपडेट कर दिया। दूसरा जो मैंने तरीका यूज किया है, योस्ट प्लगइन के थ्रू मैंने क्या किया है, डोमेन सेक्शन वेब मास्टर सेक्शन में गया और उधर जाके मैंने जो गूगल की तरफ से कोड दिया गया था उसे जाके पेस्ट कर दिया और उसे अपडेट कर दिया, तो जिसके ऊपर गूगल ने जो है अभी थोड़ी देर बाद वेबसाइट वेरीफाई कर देगा। तो ये दो तरीकों के थ्रू मैंने आपको बताया है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, आप अपनी ऑनरशिप गूगल को कैसे बता सकते हैं कि इस वेबसाइट को मैं ऑन करता हूं। तो ये आपके पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी ओनरशिप जो है वो गूगल के सामने प्रूव कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हो सर्च कंसोल के साथ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे हम करते हैं। जी मैं आगे बता रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि हमें गूगल कंसोल से इसको अटैच करने की जरूरत क्यों है, हम उसको क्यों एक चौकीदार अपने वेबसाइट के ऊपर क्यों बिठा छोड़ें जो हमारी इसको देखेगा, या तो उसकी जो गूगल की जब हम रैंक करते हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि गूगल कंसोल से हम उसको अटैचमेंट करनी है, इसका रीजन क्या है? देखें अब मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में जो इश्यूज है, जो गूगल में जो है आपकी वेबसाइट आपने लाइव कर दी है,
अब वो गूगल में किस तरह से बिहेव कर रही है आपकी वेबसाइट में, गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर भी रहा है, आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर भी पा रहा है, तो वो कैसे करेगा? तो वो सर्च कंसोल ही एक मीडियम है बेसिकली गूगल के और आपकी वेबसाइट के दरमियान, जो कि आपको गूगल गूगल के साथ अटैच करता है आपकी वेबसाइट को, कि वो समझ सके आपकी वेबसाइट क्या है। अब इसी गूगल को मैसेजिंग वगैरह करके तो नहीं समझा सकते ना कि मेरी वेबसाइट को इस तरह से क्रॉल करो, मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है, मेरी वेबसाइट का पेज इतने ज्यादा है, तो वो आप क्या कर सकते हो, सर्च कंसोल ही आपके पास एक टूल है जिसके थ्रू आपको आप गूगल को बता सकते हो कि मेरी वेबसाइट बेसिकली किसी जो है वो इसका स्ट्रक्चर क्या है, और अगर मेरी वेबसाइट पे आपने गूगल ने कोई पेज छोड़ दिया है तो आप उसे दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे आप इस पेज को क्या करो, क्रॉल करो। तो ये सारा आप किसके थ्रू करते हो, आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू करते हो। मैंने आपको बताया कि आपने अपने बिहेवियर को ट्रैक करना होता है कि गूगल के साथ जो है आपकी वेबसाइट जो है वो बिहेव कैसे कर रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट आपकी स्लो है, ठीक है, गूगल का तो एक रैंकिंग फैक्टर है कि अगर वो वेबसाइट जो है वो आपकी लेस देन जो है वो 3 सेकंड से जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो लोड होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो 8-9 सेकंड है, तो आप तो फिर जितना मर्जी वो जोर लगाते रहे तो आपकी जो है वो वेबसाइट जो है वो रैंकिंग जो रैंक नहीं कर सकेगी। मे बी वो आपको ज्यादा उसके एक फैक्टर जो है गूगल का रैंकिंग फैक्टर जो है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो जो अच्छी होनी चाहिए, लाइक बिलो 3 सेकंड होनी चाहिए। आप अगर उसे ही नहीं कंप्लीट कर रहे होंगे तो मे बी आप रैंक ना कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को जो है स्टडी करने के लिए, इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते हो, गूगल सर्च कंसोल को आप यूज करते हो। थीम्स वगैरह हम लगाते हैं, वो थीम्स वगैरह लोडिंग के ऊपर टाइम लेता है, जो हमारे पिक्चर्स लगी होती है उसकी वजह से वो लोडिंग टाइम ज्यादा होता है हमारा, और हमारा कुछ मे बी कुछ सर्वर की भी कुछ पोजीशन ऑफ सर्वर भी हमारा वो भी हम इस चीज को स्टडी करते हैं। जब अभी हम एक एक जो है इसका टॉपिक जो है स्टडी करते हैं, एक एक टूल जो है वो से हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली किस लिए जो हमारी वेबसाइट जो है वो स्लो हो रही होती है। ठीक है, तो मैं अभी जो स्क्रीन वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी। सबसे पहले जब आप अपनी वेबसाइट सर्च कंसोल के ऊपर आएंगे और आपकी जब प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी होगी, तो आपका जो है इस तरह से आपको क्या होगा, सर्च कंसोल नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसमें आप ऑटोमेटिकली किस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक होंगे, ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू बेसिकली क्या होता है, ओवरव्यू सेक्शन में आप देख रहे होते हैं आपकी वेबसाइट की जो है परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, आप एक मतलब ओवरव्यू आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए इस वक्त मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं, तो उसका मैं ओवरव्यू एक ग्राफ में, अगर मैं मजीद देखना चाह रहा हूँ तो डिटेल में जानना चाह रहा हूँ तो परफॉर्मेंस में आ जाऊंगा। लेकिन जब आप ओवरव्यू व्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस का एक ओवरव्यू आपको मिल रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स पड़े। ठीक है, ये आ रहा है 20/03/2022 तक। अगर मैं इसे देखना चाह रहा हूँ कि मैं जब इसे परफॉर्मेंस में जाऊंगा, इसे आपको मैं मजीद डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे आपको जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ये है, इस वक्त कितने क्लिक्स पड़े हैं, 25 मार्च को जो है वो 33 क्लिक्स पड़े हैं। तो ये क्या है, यहाँ से मैंने एक ओवरव्यू ले लिया। कवरेज का जो सेक्शन है, मुझे यहाँ पे उसे ओवरव्यू मिल गया कि मेरी वेबसाइट के कितने पेज क्रॉल है, कितने एलिमेंट जो है वो क्रॉल है और कितने नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस में बताया, ठीक है, कि वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है कि गूगल जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट के साथ आके इंटरेक्ट हुआ है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि आपकी वेबसाइट स्लो तो नहीं है, आपकी वेबसाइट का कोई पेज जो है वो क्रॉल नहीं कर पाया। तो वो क्या होता है, यहाँ से आपको एक्सपीरियंस जो होता है गूगल के, इस गूगल का क्रॉलर का, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है कि गुड है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हैं। एनहांसमेंट में आप देख सकते हो, ठीक है, एनहांसमेंट के आपको ओवरव्यू में वो क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दे रहा है, कवरेज का ओवरव्यू दे रहा है, और एक्सपीरियंस का दे रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, इनहांसमेंट का दे रहा है। ये सारे आगे क्या करेंगे, हम डिटेल में जा रहे हैं। ये परफॉर्मेंस है, अगर हम इसे फुल रिपोर्ट देखना चाहेंगे, फुल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, रीडायरेक्ट कहाँ पे करेगा, परफॉर्मेंस वाले पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक करना चाहते, अगर आपने मजीद डिटेल देखनी हो, तो एक तो वो आपको तरीका बताया कि आप फुल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, या इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इधर कर देगा, इधर रीडायरेक्ट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप परफॉर्मेंस के खुद जो है टैब के ऊपर क्लिक करें,
और वो आपको क्या कर देगा, यहाँ पे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बता देगा कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, कि इस वक्त वो गूगल में किस नंबर पे रैंक कर रही है और उसे कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस का हमको बेसिकली क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, क्या आपने अगर किसी को अपनी वेबसाइट की जो है रिपोर्ट देनी है कि मेरी वेबसाइट की जो है वो पोजीशनिंग कितनी है, और आपने कोई प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट का पकड़ा, वो कहता है कि मुझे पिछले 3 महीने की जो है वो रिपोर्ट दो, तो आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल शीट के ऊपर उसे डाउनलोड करना चाहते हो, एक्सेल में उसे डाउनलोड करना चाहते हो, या डिफरेंट उसके क्या होते हैं वेरिएंट्स होते हैं, आप किसी एक में उसे क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर लेना अपनी सारी जो है आपकी परफॉर्मेंस को। उसके बाद आता है आपके पास सर्च टाइप के ऊपर, ठीक है। सर्च टाइप बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस किस तरह से आप देखना चाह रहे हो, कि वो सर्च उसकी इमेज जो वेबसाइट के ऊपर, अगर वेबसाइट इमेजेस के रिलेटेड है, वीडियो के देखना चाह रहे हो कि उसकी वीडियो परफॉर्मेंस कैसी है, अगर न्यूज के रिलेटेड है, न्यूज वाला आपका कोई सेक्शन है उसका जो है वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वेब है, इस वक्त मैं वेब के ऊपर क्लिक करूंगा, इसे अप्लाई करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब देखना चाह रहा हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मैं कितने मंथ की देखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देख सकता हूँ अपनी डिफरेंट रेंज में भी। वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी लास्ट 7 दिनों की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, 28 दिनों की देखना चाह रहे हैं, 3 महीनों की देखना चाह रहे हैं, 6 महीनों की देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कस्टम देखना चाह रहा हूँ, कोई पूरे साल की देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस पूरे साल को मैं क्या कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ, एक रेंज उसे मैं बता दूंगा कि मुझे इस रेंज में जो है मेरी परफॉर्मेंस जो है वो आप बता दो। और अभी इसलिए अभी हम क्या करते हैं, एक लास्ट 7 के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे क्या कर देते हैं, इस फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं। गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट की जो 7 दिनों की जो है परफॉर्मेंस है वो मुझे क्या कर देगा, यहाँ पे शो करवा देगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स जो है वो कितने पड़े हैं, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशंस कितने पड़े हैं, तो वो मुझे क्या है, यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के इस टैब में मुझे वो क्या कर रहा है, बता रहा है। अब आ रहा है आपके पास, अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं क्लिक्स, कि एक्चुअली आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों ने आके क्लिक किया है, तो वो कितने हैं, 7 दिनों में 222 लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर आके क्या किया, क्लिक किया है। इंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, इंप्रेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूं लेदर जैकेट, ठीक है। इसमें अब जो मेरे पास डिफरेंट जो है वेबसाइट्स जो है वो ओपन हो गई है, फॉर एग्जांपल ये एक दो और 3, ठीक है, ये 3 वेबसाइट को मैं क्या कर सकता हूँ, इस वक्त केस स्टडी एज अ एग्जांपल लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद काशिफ की वेबसाइट है angeljacket.com। अगर ये सर्च कंसोल इधर मैंने लेदर जैकेट लिखा और इसमें वो मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में नजर आती है, इस तरह से मैं जब नीचे क्लिक कर रहा होता हूँ या नीचे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, वो जब मेरी नजर से गुजरती है तो वो बेसिकली क्या होती है, एक इंप्रेशन होता है। जैसे आम माइंड में हम यूज करते हैं, आम जिंदगी में हम यूज करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसी तरह से है कि एक जो झलक होती है वो बेसिकली क्या होती है, इंप्रेशन है, कि आपकी वेबसाइट, आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैं आपकी वेबसाइट के इस वक्त 6 नंबर पे हूँ तो मुझे इतने इंप्रेशन पड़े, अगर मैं 3rd पेज पे रैंक कर जाऊंगा तो बेसिकली मेरे कितने हो जाएंगे, इतने इंप्रेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का बेसिकली एक आइडिया ले सकते हैं, अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मुझे इस वक्त कितने इंप्रेशन पड़े हैं, तकरीबन 12,000 के करीब जो है मुझे इंप्रेशन जो है वो पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा होता है कि एवरेज CTR क्या है, कि क्लिक थ्रू रेट क्या है, कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है लोगों ने क्लिक कितनी बार किया है, ठीक है, कि उन्होंने वेबसाइट देखी है उसके बाद उन्होंने क्लिक कितनी बार किया है, तो ये क्या होता है आपका एवरेज CTR होता है। एवरेज पोजीशन बेसिकली क्या होती है, कि आपकी एवरेज पोजीशन क्या है, आपके सारे पेजेस की वो एक क्या कर लेता है, एक ओवरऑल आपको एक पोजीशन दे देता है, उस बेसिस पे आपको वो क्या कर देते हैं, पोजीशन जो है वो एलोकेट कर देता है। किल टोमी के साथ वो मुझे कह रहा है कि आपकी जो पोजीशन है वो 5वें या 6वें नंबर पे है, किल्ट होमी के साथ वो क्या है 5, तकरीबन वो 5.7 उसने मुझे दी हुई है पोजीशन।
किल्ट स्कॉटिश के साथ 8.6 के ऊपर, किल्ट होंगी मॉडर्न के साथ, वो मुझे क्या है फर्स्ट नंबर पे, वो क्या कर रहा है, वो मुझे इस वक्त अपनी पोजीशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, मुझे इंप्रेशन बताए हुए कि अगर आप इस वक्त इस पोजीशन पे हैं तो आपको इंप्रेशन कितने पड़े हैं 2000 के करीब, और इस वक्त आपको क्लिक्स जो है वो इस कीवर्ड के साथ कितने पड़े हैं 30 पड़े हैं। तो ये क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से एवरेज पोजीशन, क्लिक्स, इंप्रेशन और CTR का जो है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस टैब में आइडिया ले सकते हैं। नीचे अब आएंगे, अब नीचे परफॉर्मेंस में आएंगे, आपके पास आएगी क्यूरीज, ठीक है, कि किन क्यूरीज के थ्रू जो है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आई है या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं। अब मेरे पास सबसे ज्यादा जो क्लिक्स आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, किल्ट के थ्रू आ रहे हैं। कितने क्लिक्स आ रहे हैं मेरे पास, 30 क्लिक्स आ रहे हैं, और इंप्रेशन मुझे सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रहे हैं 2475। यहाँ से मैं आइडिया ले सकता हूँ कि अगर मैं किल्ट के साथ रैंक कर जाता हूँ तो मेरे जो क्लिक्स हैं वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पोजीशन 5-6 नंबर पे है और मैं रैंक इस वक्त मुझे क्या पड़े 30 क्लिक्स पड़े, अगर मैं टॉप 3 में आ जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नंबर मेरा डबल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये वो चीज है जो आप क्या कर सकते हो, स्टडी करते हो, सर्च कंसोल इसलिए जरूरी होता है, इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो अपनी SEO स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड कर सकते हो। ये वो क्यूरीज है जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो शो हुई, और जब शो हुई इतने लोगों ने क्लिक किया और इतने लोगों की नजर से वो गुजरी, इतने परसेंट लोगों ने क्लिक किया, इतने पोजीशन पे आपकी वो जो है इस क्यूरी के साथ आपकी वेबसाइट जो है वो शो हुई, वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे क्यूरीज जो है वो क्यूरीज के सेक्शन में आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं पेजेस में, कि कौन कौन से जो पेजेस हैं वो इस वक्त गूगल में आपके टॉप रैंक पे है, जिसपे ज्यादा जो है वो क्लिक्स वगैरह पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पे जो पेज आ रहा है वो किड्स का पेज जा रहा है, ये वाला जो है मेरा पेज जो है वो टॉप पे जा रहा है। इसके साथ मुझे कितने क्लिक्स पड़े हैं, 71 क्लिक्स पड़े हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, CTR मेरा कितना है और इस वक्त इसकी पोजीशन कितनी है। तो ये बेसिकली क्या है, मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि मेरे कौन से जो है पेजेस इस वक्त टॉप रैंक कर रहे हैं या जिनकी परफॉर्मेंस जो है मैं इस परफॉर्मेंस टैब में क्या कर सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रीज में, ठीक है, बेसिकली कि किस कंट्री के थ्रू से जो है मुझे ज्यादा जो है वो क्लिक्स वगैरह जो है, फ्रांस वगैरह, इंप्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें क्या है मुझे वहां से मुझे जो है सर्च कंसोल जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइसेस जो है, ठीक है, कि मोबाइल के थ्रू मुझे कितने क्लिक्स पड़े, डेस्कटॉप के थ्रू मुझे कितने क्लिक्स पड़े, टैबलेट के थ्रू कितने क्लिक्स पड़े, तो ये क्या है बेसिकली मुझे यहाँ से सर्च कंसोल के डिवाइसेस वाले जो है टैब इसमें मुझे क्या है नीचे नजर आ रहा है, सर्च अपीयरेंस में आ रहा है, ठीक है, कि सर्च अपीयरेंस में आ रहा है कि बेसिकली जैसे हमने वो आपको बताया था स्कीमा वगैरह, और वो जो हमने एनहांसमेंट वगैरह सेक्शन में आता है कि मुझे रिव्यूज के थ्रू जो है वो कितने क्लिक्स पड़े। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फीचर स्निपेट लगाया हुआ है उसका प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तो उसके थ्रू मुझे अगर क्लिक्स पड़े हैं, ठीक है, वो कितने पड़े हैं, ठीक है, वो सारे आप चीजें क्या कर सकते हैं यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि प्रोडक्ट वाला जो मेरी टाइप है उसके थ्रू मुझे कितने हैं, उस वजह से मुझे क्या है कितने क्लिक्स पड़े और इंप्रेशन कितने पड़े, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। अपीयरेंस है, अपीयरेंस का मतलब होता है कि वेबसाइट आपकी किस किस तरह से लोगों के सामने क्या हुई है, अपीयर हुई है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट वाला जो था, प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट थे उसमें मुझे कितने क्लिक्स पड़े हैं, 19 क्लिक्स पड़े हुए, ठीक है। इसके बाद आप वो डेट का सेक्शन आ जाता है कि किस किस डेट को आपको जो क्लिक्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ से आप परफॉर्मेंस के टैब में क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। तो परफॉर्मेंस का क्या है टैब, बेसिकली ओवरव्यू में आप जाते हैं तो आपको वो क्या करता है, परफॉर्मेंस आपको बता रहा होता है, आपकी वेबसाइट की एनहांसमेंट बता रहा होता है, और उसके बाद और आपके पास उसने क्या क्या आपको बताया था, परफॉर्मेंस आपको बताई थी, और उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सपीरियंस बताया था, एनहांसमेंट वगैरह जो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और आपने जो चेंजेस की हैं उनका क्या असर आ रहा है, तो ये सारी आप क्या कर सकते हो यहाँ से आप ओवरव्यू के जो है टैब इससे आप क्या कर सकते हो इस चीज का आइडिया ले सकते हो या इस चीज को मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप डिटेल में, आप जैसे हमने पढ़ा है परफॉर्मेंस का, ठीक है,
अब परफॉर्मेंस के सेक्शन में जो आपको मैंने एक एक चीज बताई है कि क्लिक्स कितने पड़े, इंप्रेशन कितने पड़े, सीटीआर कितना रहा आपका, आपकी एवरेज पोजीशन आपकी वेबसाइट की कितनी दी, तो ये सारी आपको क्या मिलती है यहाँ से आपके परफॉर्मेंस टैब से, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी मोहम्मद शरीफ, आपका फैसल शरीफ काइंडली आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपका हाथ इस वक्त आपने रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन था कि आज के पूरे टॉपिक में हम यही सर्च कंसोल भी पढ़ेंगे, मेरा कंट्री से रिलेटेड था कि हम कंट्री वगैरह भी इसको चेक कर सकते हैं या नहीं, वो आपने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, कंट्री जो है बेसिकली आप अच्छे तरीके से तब चेक कर सकते हैं जब आपका सर्च कंसोल और एनालिटिक्स क्या हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो। ठीक है, आप आपने गूगल टैग मैनेजर को अगर आपने स्टडी किया हो तो आप उससे क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। म्यूट, इन्हें अनम्यूट करें। हाँ अभी उनका क्वेश्चन चल रहा है, उन्हें अभी अनम्यूट ना किया करें जब क्वेश्चन चल रहा हो तो। जी सर, क्रॉल का क्या मतलब है कि गूगल क्रॉल करता है ऑटोमेटिकली, कि अगर हम सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट में ना ऐड करें तो क्या वो ऑटोमेटिकली कर लेगा या नहीं? ये कौन क्वेश्चन कर रहा है? फैसल शरीफ। अच्छा फैसल, फैसल देखिए, वेबसाइट के ऊपर क्रॉल करना और ना क्रॉल करना ये गूगल की मर्जी है, लेकिन उसकी मॉनिटर जो है अब उसे क्रॉल उसने किया है या नहीं किया, ठीक है ये उसकी मर्जी है, लेकिन हमने उसकी मॉनिटरिंग कर ली। अगर उसने एक बार क्रॉल किया है, ठीक है, तो उसने मेरी वेबसाइट को किस तरीके से क्रॉल किया, किन किन पेजेस को उसने क्रॉल किया है, किस किस डेट को क्रॉल किया, तो वो क्या कर सकता है यहाँ पे जो है मैं यहाँ से आइडिया ले सकता हूँ। वेबसाइट की जो क्रॉलेबिलिटी है, ठीक है, वो सर्च कंसोल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ से क्या करते हो, सिंपली चेक कर रहे होते हो, ठीक है, कि मेरी वेबसाइट को क्रॉल कैसे किया गया है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जब क्रॉलर आया तो मेरी वेबसाइट का बिहेवियर कैसा था, मेरी वेबसाइट का कोई ऐसा जो है पेज ऐसा तो नहीं रह गया जिसे वेबसाइट का जो क्रॉलर है उसे क्रॉल नहीं कर पाया, ठीक है, कोई क्रॉलर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई डिफिकल्टी आ रही हो, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्रॉलेबिलिटी का जो है आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेना। वो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मतलब आपने सर्च कंसोल के साथ आपने अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट किया है तो फिर ही वो क्रॉल होगी, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल ने क्रॉल कैसे किया, ठीक है, कब कब किया और कैसे किया, ये आपने क्या करना होता है, सारा सर्च कंसोल के थ्रू आप क्या कर रहे होते हो, मॉनिटर कर रहे होते हो, इसलिए आप क्या करते हो सर्च कंसोल को यूज करते हो। ठीक है, थैंक यू, वेलकम जी। यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, मोहम्मद काशिफ। जी मोहम्मद काशिफ, क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर्च कंसोल पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट, लेकिन वो हो नहीं रही। आप कौन से मेथड के थ्रू कर रहे हैं सर? डोमेन के थ्रू मैं कर रहा हूँ। आप कौन सा डोमेन जो DNS है वो यूज कर रहे हैं? DNS यूज कर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ जी। आप एट द एंड जो है, अगर आप ये क्योंकि लेंथी प्रोसेस होगा, अगर आप एट द एंड ये रख ले तो हमारे लिए इजी हो इस चीज को। ओके कोई बात, ओके सर, थैंक यू जी। अगला कोई क्वेश्चन ले लें, उसके बाद अगला स्टडी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये पूछना चाहता था जो पोजीशनिंग है ये क्लिक्स पे डिपेंड करती है, आपकी एवरेज पोजीशन जो अभी बताइए ना, एवरेज पोजीशन ये बेसिकली ओवरऑल पोजीशन बता रहा होता है कि गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जो है आपकी पोजीशन, आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आपकी पोजीशन कहां पे रही है, ठीक है, और आपको ये उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि उसने आपको जैसे 5.9 कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है, कि उसकी तरफ से वो एक आपको पोजीशनिंग जो है वो अलॉट की गई है कि इस पोजीशन पे उसे क्लिक्स पड़े हैं, इस पोजीशन पे अगर वो है तो उसे इतने क्लिक्स पड़े, इतने इंप्रेशन पड़े, तो ये उसकी तरफ से क्या है। तो मैं यही देखा था डिफरेंट, कहीं की क्लिक्स कम है और पोजीशन ज्यादा हुआ है, तो कहीं की क्लिक बहुत ज्यादा है लेकिन पोजीशन कम है, इस मतलब रिलेट नहीं कर रहा।
ये बेसिकली सर्च कंसोल की तरफ से पोजीशनिंग अलॉट की गई है 5.9 और ये 2.9 ये उसकी तरफ से अलॉट की गई है। अब जैसे किल्ट होमनी है, अब किल्ट होमनी को अगर मैं आपको लाइव इसके आपको बताऊं तो इसकी जो आपको पोजीशन नजर आएगी, मैं अगर आता हूं परफॉर्मेंस के ऊपर स्क्रीन शेयर जी मैं कर देता हूं। ये देखिए ये है कि मेरे पास ये है, मेरे पास उसने सारी मुझे इंफॉर्मेशन देती है, यूआरएल क्लिक्स वगैरह जो मुझे सब पड़े हैं। ठीक है, मैं अगर किल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ उसने मुझे एवरेज पोजीशन जो दी है 30 क्लिक्स है और उसने एवरेज पोजीशन मुझे कितनी दी है 5.9 दी है। अब मैं आपको अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन बताता हूँ तो फ्रांस की अगर मैं क्यूडी अगर आपको आपके पास कोई भी इस वक्त लगाना चाहे किल्ट होमनी अगर आप लिखेंगे तो वो मुझे आपको जो नजर आएगा वो तकरीबन आपको फोर्थ पोजीशन पे नजर आएगा, लेकिन जो एवरेज पोजीशन है कि मतलब जो अप एंड डाउन करके जो उसने मुझे पोजीशन एलोकेट की है वो कितनी है 5.7 दी है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं ये इस वक्त जो मेरा कीवर्ड है ये फ्रांस में फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है रैंक कर रहा है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर रैंक करने पर मुझे क्या 19 क्लिक्स वगैरह पड़े और इतने इंप्रेशन जो है मुझे पड़े हैं। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आपको आईडी आपको मिल गया कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स इतने पड़ रहे हैं आपकी वेबसाइट की पोजीशन इतनी है तो आप यहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि पोजीशन का कितनी मैटर करती है आपके क्लिक्स के ऊपर आपके इंप्रेशंस के ऊपर आपके एवरेज सीटीआर के ऊपर। ठीक है, तो अगर मेरा इस वक्त ये फोर्थ पोजीशन पे है तो मेरे इस वक्त जो एवरेज सीटीआर है वो 2.3 है। ठीक है, जो कि अच्छा है, अगर बिलो 2.5 हो तो जो है वो बहुत मतलब आप उसे लो कंसीडर करते हैं, अगर इससे अबव हो तो वो क्या गुड आप उसे कंसीडर करते हैं। उसके बाद आपके पास अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास आता है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। इसमें क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट का कोई खास यूआरएल को अगर आप इंस्पेक्ट करना चाहें, आप गूगल से आप आइडिया लेना चाहें या गूगल से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि क्या मेरी वेबसाइट का ये जो यूआरएल है वो गूगल सर्च कंसोल में क्रॉल है या नहीं क्रॉल, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट के इस यूआरएल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये देखें जैसे ये है किल्ड फॉर फैमिली मेरी एक यूआरएल है, इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ की मुझे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड कर देगा कि गूगल ने जो इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड इंडेक्स की हुई है। ठीक है, इस यूआरएल के इंडेक्स रिलेटेड इंडेक्स की हुई है वो मुझे क्या हो जाएगी यहाँ पे यहाँ से आइडिया हो जाएगा और मुझे बता देगा। गूगल ने कहा है कि ये जो यूआरएल है ये क्या है गूगल ने क्रॉल किया हुआ है। ठीक है, और इसकी कवरेज है कि मतलब ये इंडेक्स भी हुआ हुआ है और इसकी मोबाइल यूजेबिलिटी एएमपी ये क्या है सब ओके है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल का आपने अगर इंस्पेक्शन करनी हो तो आप क्या कर सकते हो इस टूल के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस को अगर आपने मॉनिटर करना हो तो आप क्या कर सकते हो यूआरएल इंस्पेक्शन के ऊपर आओगे और उस जो है यूआरएल को कॉपी करोगे और उसे आके क्या कर दोगे यहाँ पे आके पेस्ट करोगे तो वो आपको क्या कर देगा आपको उसकी बता देगा इंफॉर्मेशन कि गूगल में यूआरएल जो है वो इंडेक्स भी है, अगर इंडेक्स है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे क्रॉल करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो वो यहाँ से आपको क्या कर देगा सारी आपको चीजें बता देगा। ये उसके रेफरेंस पेजेस के उसने लास्ट टाइम मेरी वेबसाइट को कब क्रॉल किया था, इस पेज को कब क्रॉल किया था 25 मार्च 2022 को क्रॉल किया था और ये उसने मुझे टाइम बताया है। ठीक है, और गूगल के किस बोट, गूगल के डिफरेंट बोट होते हैं, मोबाइल बोट होता है जो उसके बाद डेस्कटॉप बोट होता है, तो उसने मुझे क्या किया गूगल बोट जो स्मार्टफोन का है उसने मुझे क्या किया उसके थ्रू क्या क्रॉल किया है और मेरी वेबसाइट का जो है उसने क्या किया है कि उसकी वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी उसे फेच करना क्या हुआ है वो अनसक्सेसफुल रहा है या सक्सेसफुल रहा है, तो गूगल ने मुझे क्या बताया कि वो सक्सेसफुल रहा है।
और इंडेक्सिंग क्या है, अलाउ है। देखिए अब जब गूगल के ऊपर क्या करते हैं कि आपने आप मेरे साथ बात की थी कि सर्च कंसोल जो है बेसिकली क्यों जरूरी होता है, तो गूगल के सर्च कंसोल के ऊपर आप क्या करते हो, अपने साइट मैप में आपको बताता हूँ कि साइट मैप बेसिकली क्या होता है। साइट मैप जब आप बता अपनी वेबसाइट के ऊपर सबमिट गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हो, तब गूगल को बता रहे होते हो कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने पेजेस हैं, ठीक है। तो ये आप प्रायोरिटी सेट करते हो कि मेरी पेज की प्रायोरिटी क्या, आपने किसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, या क्या कर रहे होते हैं गूगल जो साइट मैप होता है इसमें क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास robot.txt फाइल, आपने क्या करना होता है रोबोट को इंस्ट्रक्शंस जो खास देनी होती है कि आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स मेरी वेबसाइट को कैसे करना है, तो वो आप किसके थ्रू बताते हो, robot.txt के थ्रू बताते हो। तो robot.txt में जब आप दो स्पेसिफिकली आप उसमें बता रहे होते हो, आप अलाउ करते हो कि मेरी वेबसाइट के आपने इस खास पेज को आपने इंडेक्स करना है या नहीं करना, तो यहाँ पे उसने मुझे क्या किया हुआ, यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है क्रॉल अलाउड, इसका मतलब है कि मैंने अगर इधर नॉट अलाउड किया होता robot.txt जो आपने सबमिट की है, अगर उसमें मैंने इसे नो किया होता तो इसे गूगल इसे क्या कर रहा होता है इस वक्त, नो शो कर रहा होता है, क्योंकि मैंने उसे अलाउ किया हुआ था तो उसने मुझे जो स्टेटस है वो क्या प्रोवाइड किया है, यस प्रोवाइड किया है। तो ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आइडिया ले सकते हो, यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो अपने स्पेसिफिक URL के रिलेटेड कि उसकी इस वक्त परफॉर्मेंस क्या है गूगल सर्च कंसोल गूगल के साथ, ठीक है। तो गूगल में इस वक्त क्रॉल है, उसकी मोबाइल यूजिबिलिटी क्या है, वो सारा आप इस आगे भी हम इसमें इसे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मोबाइल यूजिबिलिटी क्या होती है, AMP क्या होता है। तो ये क्या है, मुझे ओवरऑल इंफॉर्मेशन पता चल गई है उस स्पेसिफिक URL के थ्रू। अब आता है आपके पास इंडेक्स सेक्शन, जो कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने आपके साथ जब सर्च इंजन का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमने तीन चीजें स्टडी की थी कि वेबसाइट जब आपकी लाइव होती है तो गूगल सबसे पहले क्या करता है, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, उसके बाद क्या करता है स्पेसिफिकली क्या करता है, इंडेक्स करता है। इंडेक्स वो कैटेगरी वाइज भी कर सकता है, या वो क्या कर सकता है उससे पोजिशन वाइज भी उसे क्या कर सकता है, वो इंडेक्स कर सकता है। हमने इंडेक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होता है, बेसिकली तरतीब देना होता है, या गूगल अपने जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसे फिल्टर आउट करके वो क्या कर देता है, उसे इंडेक्स करता है। तो इंडेक्सिंग के रिलेटेड अब जो भी हमारे इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मेरी वेबसाइट इस वक्त इंडेक्स है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिंपल अपने जो है इंडेक्स वाले सेक्शन में आते हो, ठीक है, और इसी के ऊपर क्या करते हो क्लिक करते हो। तो उसमें आते हैं तीन टाइप के जो होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो होते हैं इंडेक्सिंग इशू आ रहे होते हैं, आप उसमें देखते हो कि मेरी वेबसाइट का कवरेज जो है, ठीक है, क्या मेरी वेबसाइट का कोई ऐसा पार्ट या कोई ऐसा पेज रह तो नहीं क्या जो गूगल जो है उसे क्रॉल ना कर पा रहा। तो बेसिकली आप किसमें क्या करते हो, कवरेज के सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो गूगल आपको क्या बता देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है कितने इश्यूज है, ठीक है, कितनी वार्निंग्स है, कितने पेजेस आपके क्रॉल्ड हो चुके हैं और कितने क्या है एक्सक्लूड कर दिए गए, कितने एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया उसने एक्सक्लूड जो है वो किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, गूगल ने बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया है कि गूगल के डिफरेंट क्रॉलर्स होते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, तो गूगल ने मेरी वेबसाइट को जो है इस वक्त जो क्रॉल किया है वो कौन से बोर्ड के थ्रू किया है, स्मार्ट फोन के थ्रू जो है मुझे इस वक्त उसने क्या किया है क्रॉल किया है। और जो लास्ट इस वक्त जो उसने अपडेट दिया है, लास्ट टाइम जब उसने अब क्रॉल किया था तो कब किया था, 26/3/2022 को किया था, ठीक है, मतलब आई थिंक कल उसने जो है वो मेरी वेबसाइट को दोबारा से क्या किया, चेक किया। अब इसमें आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है एरर्स जो है वो आप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है सर्वर एरर आ रहा है। मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट की क्या कर सकते हो, सर्च कंसोल के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है, आप उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, और उसके बाद कौन सा थर्ड था आपके पास, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, और क्या था आपके पास, कोई बताएगा मुझे, अभी थर्ड जो है वो स्टेप भूला हुआ है, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, और कौन सा था आपके पास, मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास थर्ड, तीन स्टेप्स है। अब ये देखें यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट में जो इस वक्त प्रॉब्लम है, मैं ओवरऑल जो इस वक्त देख रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ।
अब मेरे पास आ जाते एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरी वेबसाइट में एक एरर आ रहा है, इसे अब मैं क्या करूंगा, ट्रबल शूट करूंगा। अब ये बेसिकली मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई है सर्वर के रिलेटेड क्या है एरर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो गूगल जो है वो बेसिकली मुझे बता देगा कि मेरी वेबसाइट का जो है इस वक्त जो सर्वर एरर्स है वो क्या है इनकी वजह से आ रहे हैं। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरी प्रॉब्लम जो है मेरे रिलेटेड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आगे फर्दर जो टीम है उसे क्या कर सकता हूँ, उसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये देखिए अब ये कोई एक पेज है जो कि मेरी अब इस वक्त नजरों से भी क्या है ओझल है। इस पेज को मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं देखा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस चीज को कॉपी करता हूँ और मैं अपने जो डेवलपर है उसे मैं क्या कर देता हूँ, इस चीज को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि ये जो पेज है ये मेरी वेबसाइट के क्या है इररेलीवेंट है, ये तो इस तरह से मेरी पेज जो है वो वेबसाइट पे है ही नहीं। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, अगर खुद फिक्स कर सकते हो तो आप उसे खुद फिक्स कर लो, और अगर आप फिक्स नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, अपने डायरेक्टली डेवलपर को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर देते हो, अपनी वेबसाइट को ट्रबल शूट कर देते हो। जब आपका ये प्रॉब्लम जब रिसॉल्व हो जाता है तो आप गूगल को क्या कर देते हो, वो कह रहा है कि आपने क्या अपनी जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर लिया है, तो आप दोबारा क्या करते हो, गूगल को रिक्वेस्ट करते हो कि वो मेरी जो है प्रॉब्लम जो है मेरी प्रॉब्लम फिक्स कर ली है, वो दोबारा क्या करे, मेरी वेबसाइट को क्रॉल करे और देखे कि मेरी वेबसाइट पे कोई स्टिल अभी तक प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उसे बता सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्च कंसोल का पर्पस है कि आप गूगल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप गूगल बोर्ड को बता सकते हो कि मैंने अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली है, आप दोबारा मेरी वेबसाइट को रिजॉल्व करो, दोबारा क्रॉल करो। तो ये क्या है कि मैंने यहाँ से आइडिया ले लिया है, मैंने पहले सबसे पहले मॉनिटरिंग की, उसके बाद जो मैं थर्ड स्टेप के ऊपर आया वो क्या था, मेंटेनेंस भी। ठीक है कि मेरी वेबसाइट के ओवरऑल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, मेंटेनेंस के ऊपर जब मैं आ रहा था तो मुझे क्या एक प्रॉब्लम मिली। ठीक है, उसमें क्या था कि ट्रबल शूट के ऊपर अब मैं आ जाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को मैंने क्या है रिजॉल्व करना है, या मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई एरर आ रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, इसे या तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी टीम के साथ डिस्कस करके इस पेज को जो है वो डिलीट करवा सकता हूँ, या इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ चेंजेस वगैरह करवा सकता हूँ। क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर इररेलीवेंट टाइप के क्या आ रहे होते हैं, कोड्स वगैरह आ रही है, देखिए क्लास वगैरह, और इस तरह से क्या है गूगल को अंडरस्टैंड करने में क्या ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है सर्वर के रिगार्डिंग कोई इसके ऊपर इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा होता है, वैलिड वार्निंग्स के गूगल जो है आपको वार्न कर रहा होता है कि ये जो बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स है वो क्या है, आप इन्हें देखें कि ये मैंने जो है मेरी तरफ से वार्निंग्स है, आप इसे क्या करें जल्दी से जल्दी क्या करें रिजॉल्व करें। तो ये जो है वार्निंग मुझे दी गई है कि मेरी क्या है कि मैंने इसे वेबसाइट को इंडेक्स किया है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो आपके पेजेस है ये इस वक्त जो है मैं क्रॉल नहीं कर सका, वो देखें वो क्या कह रहा है, इंडेक्स दो ब्लॉक बाय robot.txt। मैंने मतलब मैं अब देखूंगा अपनी robot.txt फाइल को देखूंगा, यहाँ से मुझे क्या है आइडिया हो गया है। ठीक है कि मेरी वेबसाइट की ये जो पेजेस हैं वो इस वक्त क्या है गूगल क्रॉल जो है वो नहीं कर पा रहा, या गूगल के जो robots हैं वो इस चीज को क्या कर रहे हैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मैं इसे क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कि ये देखें ये अब जो पेज है ये मेरे क्या वेबसाइट के इररेलीवेंट पेज है। ये देखें गूगल, क्योंकि मैंने जो साइट मैप ये जो robot.txt फाइल बनाई हुई है उसमें ये क्या है ये पेज ऐड नहीं होगा, इस वजह से गूगल की तरफ से ये क्या होगा ऑटोमेटिकली robot.txt में ये ब्लॉक होगा। गूगल ने जब इस पेज को क्रॉल करने की कोशिश की होगी तो गूगल ने उसे क्या किया है उसे मुझे बता दिया कि मैंने इसे क्रॉल करने की कोशिश की है लेकिन रोबोट जो है मेरे से क्रॉल नहीं कर पाए, आप काइंडली इस पेज को क्या करें चेक कर लें। तो यहाँ से आप देखें मुझे कितना आइडिया हो गया कि मेरी वेबसाइट में कितने इररेलीवेंट जो है वो इस वक्त पेजेस जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं इन सब को रिमूव करता हूँ तो मेरी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और मेरी वेबसाइट के जो ये एरर्स है, ठीक है, जो कि मुझे बताया गया ये सारे क्या हो सकते हैं कम हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ट्रबल शूटिंग के दौरान ये मुझे सारे जो है प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। वैलिड जो है, वैलिड का मतलब जो जो उसे पेजेस जो उसने क्रॉल किए और उसे इजिली वो क्रॉल कर चुका है वो क्या आ जाते हैं आपके पास वैलिड में आ जाते हैं। आप सिंपली इन्हें अनचेक कर दें और आपके पास जो जो वैलिड आपके पास चीजें हैं वो आपको क्या हो जाएगी शो हो जाएगी। 429 पेजेस जो है वो इंडेक्स्ड है,
ठीक है, और इंडेक्स नॉट सबमिटेड इन साइट मैप में जो 365 अभी तक जो मेरे पेजेस हैं वो अभी तक मैंने ऐड नहीं किए, इसका मतलब है मुझे अपना साइट मैप जो है वो दोबारा से जनरेट करना होगा। ठीक है, गूगल ने तकरीबन 18,000 जो है एलिमेंट्स जो है वो मेरी वेबसाइट के जो है वो क्या कर दिए, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है। शायद गूगल को वो क्या करें इररेलीवेंट लगे हो, या वो robot.txt जो फाइल्स हैं या जो रोबोट है मेरे स्पेसिफिकली पेजेस को क्रॉल ना कर पाए हो, इस वजह से उसने क्या किया है मुझे ये बता दिया है कि मैंने इन पेजेस को या इन एलिमेंट्स को क्या कर दिया छोड़ दिया, ये सारे उन चीजों को उसने क्या कर दिया नीचे मेंशन कर दिया। आपने अगर इसे मजीद डिटेल में चेक करनी है तो आप इसे ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। तो ये वो सारे क्या है आपको मिल जाता है, यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो कि एरर्स आपकी वेबसाइट में कौन से हैं, आपकी वार्निंग्स कौन सी इशू की गई है गूगल क्रॉलर्स की तरफ से, जब उन्होंने आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने की कोशिश की तो आगे उन्हें क्या किया इस तरह से उसे प्रॉब्लम्स जो नजर आए उसे क्या कर दिया गूगल ने एज अ वार्निंग हाईलाइट कर दिया है। जो जो पेजेस गूगल में आपके क्रॉल हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं, जिन्हें एक्सक्लूड कर दिया गूगल ने तो वो भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये कोई पेज है, ठीक है, वो किस वजह से एक्सक्लूडेड है, उसने कहा है अल्टरनेटिव पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग उस पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। दूसरा है जैसे मैंने आपको अक्सर दूसरा अक्सर जो इस वक्त मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ वो क्या है robot.txt जो फाइल्स है, ठीक है, मैंने robot.txt फाइल के थ्रू रोबोट्स को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेरे स्पेसिफिक पेज को आपने क्या करना है क्रॉल नहीं करना, तो मैक ने क्या मुझे क्या कर दिया गूगल ने वो सारे पेजेस जो है वो मुझे यहाँ पे उसने बता दिया कि मैंने इन इन पेजेस को जो है मैं वो क्रॉल नहीं कर सका। तो वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आइडिया ले सकते हैं और उन चीजों को चेक कर सकते हैं कि शायद क्या आपके कोई रेलिवेंट पेज हो बट उसे गूगल क्रॉल ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से क्या है गूगल में वो क्या रैंक ना कर पा रहे हो। तो ये देखिए अब ये एक पेज है मेरे पास, ये इसका यूआरएल भी ठीक नहीं है, ठीक है, और ये डुप्लीकेट है। तो मैं क्या करूंगा सिंपली अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे जाऊंगा और इस पेज को क्या कर दूंगा रिमूव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये डुप्लीकेट पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या हो सकता है आइडिया हो सकता है, मैंने आपको जैसे बताया कि वेब मास्टर क्या है या गूगल सर्च कंसोल क्या है आपकी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं गूगल सर्च गूगल क्रॉलर्स की तरफ से या गूगल को क्रॉलिंग के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपके पास क्या आ जाता है आपका कवरेज का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं कवरेज में, आप क्या कर सकते हैं कि ओवरऑल कवरेज चेक कर सकते हैं कि किन किन पेजेस के को गूगल ने क्रॉल किया है और किन किन पेजेस को गूगल ने क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कवरेज सेक्शन में इस सारी चीजों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। योगा वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था कि ये हमें कितने कितने टाइम के बाद ये जो सर्च कंसोल है इस पे चेकिंग करना जरूरी है? आप और एटलीस्ट हफ्ते में एक दो बार चेक कर ले क्योंकि आप जैसे बड़ी वेबसाइट है, आपने देखा है कि मेरी वेबसाइट को गूगल क्या है लास्ट टाइम उसने कब क्रॉल किया, कल ही क्रॉल किया है, ठीक है, और जब उसने क्रॉल किया तो उसे कितने एरर्स नजर आ गए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आपको एक अपनी रूटीन बनानी चाहिए, चेकलिस्ट अपनी अपने टीम को देनी होती है कि आपने इतने इतने दिनों बाद या एटलीस्ट एक हफ्ते बाद आपने मुझे क्या करनी है रिपोर्ट देनी है कि आपकी वेबसाइट का जो है कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे, या आप देखते हैं कि आप काम तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पेज के ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज के ऊपर अगर बैक लिंक्स बना रहा हूँ, इस पेज के ऊपर मैं कीवर्ड्स भी किए हुए ऑन पेज भी की हुई है लेकिन ये रैंक नहीं कर रही, ठीक है, तो इस वक्त फिर मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा कि यार मैं इसके ऊपर काम बहुत ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन ये रैंक क्यों नहीं कर रही, तो मैं इसे सिंपली क्या करूंगा इस यूआरएल को पकड़ूंगा और मैं जाके गूगल में चेक करूंगा सर्च कंसोल में जाके चेक करूंगा कि भाई मैं देखूं कि इसे प्रॉब्लम क्या है कि शायद गूगल में ये इंडेक्स ही ना हो, कोई इसे प्रॉब्लम हो। तो मुझे ये देखे उसने क्या कर दिया यूआरएल इज ऑन गूगल बट हैज इश्यूज, ठीक है, कि गूगल के ऊपर ये यूआरएल अवेलेबल है
ठीक है, लाइव है, बट गूगल इसे समझ नहीं पा रहा कि मैं इसे किस तरह से ट्रीट करूं, क्योंकि गूगल ने क्या कहा है कि इंडेक्स मैंने करने की कोशिश की है, ठीक है, बट वो क्या है, आपने आपके जो robot.txt आपने जो फाइल है वो उसके क्या है, उसने ब्लॉक किया हुआ, इसकी वजह से क्या है, मैं इस स्पेसिफिक पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सका। तो इसलिए क्या है कि इसके ऊपर मैं जब तक इस सारे इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करूंगा तो मैं जितनी मर्जी इसके ऊपर सर तोड़ कोशिशें कर लूं, ये क्या करेगा, गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आप एक वेबसाइट की अपनी चेकलिस्ट बनाए कि मैंने इतने हफ्ते बाद क्या है कि अपनी वेबसाइट को चेक करना है और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं अक्सर प्रॉब्लम होते हैं, आप ये खुद भी कुछ कोशिश कर सकते हैं कि आप ये जो सिंपली अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे, अगर आपके पास वेबसाइट का बैक एंड अवेलेबल हो तो आप इस सिंपली पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या आप गूगल को बता सकते हैं कि आपने इस पेज को जो है वो ये एक्स्ट्रा है, आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो आप उसे उधर से रिमूव कर दो, या इसे क्या कर दो, इसे आप कैनोनिकल टैग लगा के, मैं चल आगे इसे आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली कैनोनिकल टैग क्या होता है, जब हम 200 रैंकिंग फैक्टर को स्टडी करेंगे वो किस लिए यूज होता है, तो बेसिकली उस तरह से आप क्या कर सकते हो, गूगल को बता सकते हो इस चीज को देखने के बाद कि आपको ये पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले अपने डेवलपर के साथ कॉन्टेक्ट करोगे, अगर वो आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो फिर आप क्या करें, खुद कोशिश करें उस चीज को रिजॉल्व करने की कि शायद ये बैक एंड के ऊपर ये जो यूआरएल है इसे अगर मैं रीडायरेक्ट करवा देता हूँ तो ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कोशिश करनी होती है कि आपकी वेब मास्टर को बार बार आप क्या करें, चेक करते रहे। एज ए SEO पर्सन सर, ये तो थोड़ा कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज आ जाती है इसमें, तो ये वेब डेवलपर ही इसे हम करवाएंगे या खुद, जिस तरह आप कह रहे हैं खुद करेंगे तो खुद तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए काफी टाइप के हमारे पास एरर्स आ जाते हैं। अब मैं एज ए वेब डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मुझे वेब डेवलपर्स की टर्म्स का पता होना चाहिए, मुझे इश्यूज वेबसाइट का पता होना चाहिए। अब देखिए मुझे पता है कि robot.txt जो है वो फाइल जो है आपने जब अभी हम पढ़ेंगे साइट मैप क्यों यूज होता है, साइट मैप क्रिएट कैसे होता है, ये जो क्रिएट कैसे करते हैं ये तो आप इंशाल्लाह किसी एक और सेक्शन में रख लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक जो है वो सैंपल बता दूंगा कि आप बेसिकली XML साइट मैप जो है वो आप कैसे बनाते हो, साइट मैप क्यों जरूरी होता है, ठीक है। जब आपको इन चीजों का पता होगा तो आप इजीली इस चीज को कॉन्फ़िगर कर पाओगे कि ये जो इशू है वो आया SEO पर्सन की तरफ से या वेब डेवलपर की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों का पता होना चाहिए कि अगर robot.txt वो फाइल ब्लॉक है तो एक तो आप खुद भी उसे रिजॉल्व कर सकते हो, सिंपली आपने उसे नो इंडेक्स की जगह वो टैग लगाओ तो आपने उसे क्या कर देना है, इंडेक्स कर देना है, ठीक है। इंडेक्स में उसे आप जब चेंज कर देंगे तो आप गूगल को अलाउ कर देंगे कि आप मेरे इस पेज को क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है साइट मैप। साइट मैप बेसिकली क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नक्शा होता है। आप किसी एक बड़ी जगह के ऊपर जब आप विजिट करते हो तो उसके एंट्रेंस के ऊपर क्या होता है, उस चीज का एक नक्शा प्रोवाइड किया गया होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि इस वेब एक स्पेसिफिक जो प्रीमिसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये वाली जो स्पेसिफिक चीज है ये कहाँ पे पड़ी हुई है वो आपको क्या पता चल जाता है, कहाँ से पता चलता है, एक मैप की तरफ, मैप जो है आपको जो ऑफर किया जाता है उस स्पेसिफिक अथॉरिटीज की तरफ से, तो आपको वहां से आइडिया हो जाता है। आप एक क्रॉलर है, आप बाहर से आते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल आप अल्फा पीम टावर में आते हैं तो इसके हर फ्लोर पे ऊपर क्या है, एक आपको मैप जो है वो आपको दिया गया है कि अगर आपने स्पेसिफिक जो फ्लोर पे जाना है तो आपको कौन से जो है वो रास्ते से जाना चाहिए, आपने वॉशरूम्स की तरफ जाना है तो वो आपको किस फ्लोर के ऊपर मिलेंगे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपको मैप प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह साइट मैप क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का एक मैप होता है जो कि आप जनरेट करते हो गूगल को क्या करते हो, समझाने के लिए, गूगल को बताने के लिए कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से क्या है पेजेस इस वक्त अवेलेबल है और आपने क्या करना है इस उसे क्या होता है, गूगल को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है कि इस वेबसाइट में पेजेस कितने हैं, इस वेबसाइट में कैटेगरीज कितनी है और इस वेबसाइट को जो है वो इसकी वेबसाइट की जो ओवरऑल जो है मतलब साइज वो क्या है कितना है। अब देखें कि एक साइट पे amazon.com का अगर आप देखते हैं, एक बड़ी वेबसाइट है जिसमें हजारों पेजेस हैं
और दूसरी साइड पे क्या है कि एक आपकी वेबसाइट है जिसमें चंद सौ प्रोडक्ट्स है, तो इन दोनों क्या क्या होगा, साइट मैप जो होगा वो सेपरेट होगा। इसी बेसिस पे क्या होता है, गूगल को क्या होता है, समझ आती है कि बेसिकली वेबसाइट किस चीज के रिलेटेड होती है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली साइट मैप कितने टाइप्स के होते हैं। साइट मैप बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक साइट मैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, XML साइट मैप, और दूसरा साइट मैप कौन सा होता है, HTML साइट मैप। XML साइट मैप बेसिकली क्या होता है, गूगल को या मशीन को समझाने के लिए जो हम जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं उसे हम क्या कौन सा मैप कहते हैं, XML साइट मैप। मतलब हम जो भी, अब देखिए मैं आपको XML साइट मैप की एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मेरा एक XML साइट मैप जो है मैंने सबमिट किया हुआ है अपनी अपने वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने क्या किया हुआ, अपने वेबसाइट का साइट मैप जो है फाइनलाइज किया हुआ। आपने साइट मैप अगर जनरेट करना हो तो वो इस तरह से कुछ नजर आता है। XML साइट मैप, आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली साइट मैप नजर कैसे आता है। तो साइट मैप कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है XML जो कि क्रॉलर किया गूगल के लिए आप जो सबमिट करवाते हो मैप उसे क्या कहते हैं, XML साइट मैप। दूसरा जो आपके पास टाइप आती है साइट मैप की वो होती है HTML साइट मैप टाइप। HTML क्या होता है, साइट मैप। HTML को अगर आपने एक्सेस करना हो तो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है, आपके पास दिया गया होता है। मैं अपनी वेबसाइट को खोलता हूँ, ये बेसिकली मेरी इस वेबसाइट का साइट मैप है और ये दूसरी जो है मेरी वेबसाइट का इस वक्त जो है साइट मैप जो है वो जनरेट किया जा रहा है। तो अब अगर आपने अपने यूजर को अगर आपने बताना हो तो HTML की जो है आप एक क्या है, साइट मैप जो है वो जनरेट करते हो। HTML साइट मैप अगर लिखेंगे तो आपको वो इस तरह से नजर आएगा। ये आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आप क्या करते हो, आप देखते हो, ये फॉर एग्जांपल आप इस वक्त जाते हैं, ये देखें, ये एक BSS कॉमर्स एक वेबसाइट है, क्या उधर उन्होंने क्या हमें एक साइट मैप जो है वो प्रोवाइड किया होगा। एप्पल की हम वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स सी इन्होंने हमें HTML, ये देखें ये क्या है, उन्होंने हमें HTML जो है वो साइट मैप दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट के इस जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त एप्पल TV बाय करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, जो है एप्पल TV के ऊपर। ये जो साइट मैप जो मुझे प्रोवाइड किया गया है इसे कौन सा साइट मैप कहते हैं, HTML साइट मैप कहते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या होता है, आइडिया हो जाता है कि बेसिकली मुझे अगर अपनी वेबसाइट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है तो मैं किस तरह से क्या कर सकता हूँ, उस भी चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। अब XML साइट मैप बेसिकली कैसे होता है, मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर मैंने अपनी ये वेबसाइट खोली है तो इसका साइट मैप इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से क्या है, मेरे डिफरेंट मैंने अपने साइट मैप जो है वो अपने गूगल को बताया हुआ है कि मेरी वेबसाइट के साइट मैप इस तरह से है। अब मैं आपको जनरेट करके बता रहा हूँ, ये देखें, ले जी, ये क्या है, गूगल को समझाने के लिए कोडिंग में जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये क्या है, XML साइट मैप है। क्योंकि हमें पता है कि गूगल जो है वो क्या करता है, मशीन लर्निंग के ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो हम जितने भी अपना साइट मैप जो XML बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, थ्रू कोडिंग के थ्रू क्या करते हैं, बनाते हैं। HTML जो है वो बेसिकली यूजर एंड के लिए होता है
और जो XML साइट मैप होता है वो किस लिए होता है? फॉर मशीन लर्निंग के लिए या फॉर क्रॉलर्स के लिए, ताकि अगर गूगल मेरी वेबसाइट पे आता है और उसे साइट मैप XML साइट मैप मेरी वेबसाइट पे मिला पड़ा होगा तो उसे क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बेसिकली वेबसाइट जो है वो किस टाइप की है, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस वेबसाइट के कौन कौन से वो क्या है पार्ट्स हैं जिन्हें मैंने क्या करना है। ये देखिए, अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, ये देखिए एक है कि HTML प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है। अब इसी तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको ये सारे क्या होंगे, आपको पेजेस नजर आ जाएंगे। ये बेसिकली मैंने गूगल को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यहाँ से उसे हेल्प मिल सके कि मेरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, अगर कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आता है उसे XML साइट मैप इस तरह से पढ़ा और मिलेगा तो उसे इजी वो इजीली क्या कर सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा कि वेबसाइट के ऊपर कितनी कैटेगरीज अवेलेबल है, इस वेबसाइट के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो वो क्या कर सकता है, इस वेबसाइट को इजीली क्रॉल कर सकता है। उसके बाद HTML जो है, HTML बेसिकली जो साइट मैप यूजर की तरफ से या जो वेबसाइट ओनर की तरफ से जो बना के दिया जाता है वो इसीलिए बना के दिया जाता है ताकि यूजर को हेल्प मिल सके कि अगर वो किसी वेबसाइट के कोई पार्ट के ऊपर वो क्या करना है, विजिट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्मार्ट वॉचेस को विजिट करना चाह रहा हूँ, मैं टीवी को बाय करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली उसने क्या किया, मुझे एक नीचे साइट मैप जो है वो जनरेट करके दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया, मुझे इस तरह से उस तरफ क्या है रीडायरेक्ट कर दिया ताकि मुझे पता चल सके कि अगर मैंने स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर कोई चीज बाय करनी है तो मुझे कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए जो HTML साइट मैप है वो आपको वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना होता है। तो दो टाइप के साइट मैप्स होते हैं, एक XML साइट मैप और क्या दूसरा होता है HTML साइट मैप। जो हम गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इस वक्त साइट मैप जो हम सबमिट करने जा रहे हो जिसके बारे में आपको गूगल बताएगा वो कौन सा होगा, XML साइट मैप। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप गूगल को समझाने के लिए जो साइट मैप सबमिट करवाते हो वो किस लैंग्वेज में करते हो, .XML में करवाते हो। .XML की आप एक क्या करते हो, एक फाइल बनाते हो और उसके थ्रू क्या करते हो, गूगल में अपना साइट मैप जो है वो सबमिट करवाते हो और गूगल को बताते हो कि बेसिकली मेरी वेबसाइट का क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये देखे मैंने साइट मैप जब सबमिट करवाया है तो गूगल को क्या हुआ है, यहाँ से आइडिया हो गया कि इस वेबसाइट के अंदर कितने URLs हैं, ठीक है। और उसने लास्ट टाइम में जो साइट मैप को एक्सेस किया वो कब किया है, 24 और 3 और 2022 को उसने क्या किया, लास्ट टाइम मेरे साइट मैप को क्या किया, क्रॉल किया है। बेसिकली साइट मैप जब आप सबमिट करवाते हो या अपनी वेबसाइट का कोई कैटेगरी जब आप क्या करते हो अपडेट करते हो तो आपके ऊपर आपको क्या करना चाहिए कि अपनी वेबसाइट का जो है साइट मैप जो है उसे अपडेट करना चाहिए ताकि गूगल को क्या हो जाए, आइडिया हो जाए कि आपने एक नई कैटेगरी जो है वो अपने वेबसाइट में क्या है ऐड की है। इसके लिए क्या करें कि अगर आपने प्लगइन यूज किया हुआ है, अगर आपकी वेबसाइट का जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे आना है, यहाँ पे आपने आना है SEO में, जनरल में आना है, फीचर्स में आएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है सिंपली अपना जो है XML साइट मैप इसे क्या कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन जब आप कर देंगे तो जो आपका Yoast SEO प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आप लोगों के लिए XML साइट मैप जो है वो जनरेट कर देगा। तो इसलिए आपको क्या है बार बार अपना जो साइट मैप है वो उस तरह से सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूं, साइट मैप क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक XML साइट मैप होता है और दूसरा कौन सा होता है, HTML साइट मैप, ठीक है। जो XML साइट मैप होता है वो बेसिकली किस लिए हेल्पफुल होता है, मशीन लर्निंग के लिए, ताकि गूगल जब गूगल का जो मशीन लर्निंग के ऊपर जो बना हुआ रोबोट जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे तो उसे इजीली पता चल सके कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस कितने हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो वो किसके थ्रू एक्सेस कर सकेगा, किस तरह से एक्सेस करेगा, थ्रू योर XML साइट मैप के, ठीक है। अब जो HTML अगर कोई यूजर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, थ्रू योर HTML साइट मैप के। तो ये बेसिकली क्या होता है, पर्पस आपका
एज साइट मैप को सबमिट करवाने के लिए गूगल सर्च कंसोल में। तो गूगल सर्च कंसोल में हम कौन से टाइप के जो XML साइट मैप कौन से टाइप के साइट मैप को मॉनिटर कर रहे होते हैं, XML साइट मैप को, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो XML साइट मैप है वो किस लिए बनाया जाता है, मशीन लर्निंग के लिए या गूगल के लिए हम बनाते हैं, ताकि गूगल का जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो उसे आइडिया हो जाए कि आपकी वेबसाइट किस चीज के रिलेटेड है। अब जो थर्ड हमारे पास पार्ट आता है इंडेक्स में, ठीक है, आपने अगर कोई वेबसाइट के ऊपर क्या है, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा URL बना दिया, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये जो URL है गूगल इसे क्रॉल ना करे, ठीक है, इस वेबसाइट के URL को आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर करेंगे और आप चाहते हैं कि मेरा गूगल जो है इस वेबसाइट का ये जो उसने एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, आप इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी वेबसाइट का जो ये URL है इस क्या है इस वक्त ब्लॉक है। मैं क्या करता हूँ, गूगल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इस पेज को क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है, रिमूव दिस URL ओनली, ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करवा देंगे। इससे क्या होगा कि गूगल को यहाँ से आप आइडिया दे रहे हैं, यहाँ से आप गूगल को वो क्या कर रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरा ये जो स्पेसिफिक URL है आपने मुझे बताया था कि मैं इसे क्रॉल नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करें इस पेज को क्या करें, इस URL को आप क्या करें यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, मैंने इसे क्या किया है टेम्परेरली रिमूव URL, ठीक है, ये बेसिकली 6 महीने के लिए आप क्या कर देते हो यहाँ से रिमूव कर देते हो, ठीक है, जब आपकी प्रोसेस हो जाती है तो बेसिकली आपका आपका मकसद तो यही होना चाहिए और जो राइट वे यही है कि आप बेसिकली अपने परमानेंटली अपनी वेबसाइट पे जाएं और इस URL को क्या करते हैं डिसेबल कर दें, बट आप गूगल को आप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं अगले 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, कि आपने इस URL को क्या कर देना है, जब आपने क्रॉल करना है तो आपने इसे क्या कर देना है एक्सक्लूड कर देना और इसे क्या कर दें हमारे साइट मैप से या मेरी वेबसाइट से आप क्या कर दें इसे रिमूव कर दें, इसे क्रॉल ही ना करें। तो ये देखें मैंने रिक्वेस्ट कर दी है तो गूगल क्या कर देगा, यहाँ पे उसने मुझे स्टेटस बताया कि वो क्या कर रहा है इस वक्त इस चीज को प्रोसेस कर रहा है। तो इंडेक्सिंग में जब आप इंडेक्स के टर्म में आते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के इंडेक्स जो सिचुएशन होती है या आपकी इंडेक्सिंग जो सिचुएशन होती है उसे क्या कर रहे होते हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं। इंडेक्सिंग में सबसे पहले आपके पास कौन सी चीज आती है, कवरेज में। कवरेज में क्या आता है कि आपको ओवरऑल जो है आपको आइडिया मिलता है और डिटेल में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है वो गूगल सर्च कंसोल जो आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि मैंने गूगल एज अ गूगल बोर्ड जब मैंने आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने की कोशिश की तो मुझे उस चीज को कवर करने में, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स नजर आए, ठीक है, उसमें से इतने जो मैंने वेबसाइट के आपके स्ट्रक्चर को जो है अंडरस्टैंड किया इतने मुझे उसमें से प्रोडक्ट्स मिले या अपने रिलेटेड एलिमेंट्स मिले वो क्या कर दिया यहाँ पे उसने कवरेज सेक्शन में आपको बता दिया। साइट मैप में जब आते हैं तो साइट मैप बेसिकली क्या होता है कि आप ये देखें आपने यहाँ पे अपना एक साइट मैप जनरेट किया, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया है कि ये आपने है glovesrange.com है, ठीक है, अगर मैं इसका देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसका साइट मैप अवेलेबल है या नहीं, ऐसे सिंपली glovesrange.com लिखूंगा इस तरह से और आगे क्या लिखूंगा साइट मैप डॉट xml, ठीक है, इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप योस्ट का प्लगइन कर लेंगे तो योस्ट का क्या करेगा आपकी ऑटोमेटिकली आपकी क्या कर देगा आपकी वेबसाइट का जो है साइट मैप उसे क्या कर देगा जनरेट करता रहेगा। आपने सिंपली जब आपका साइट मैप जब जनरेट हो जाए तो आपने सिंपली इस ये जो आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसे आपने कॉपी करना होता है, ठीक है, और इसे क्या करना होता है आपने अपनी जो भी ये क्योंकि कोई और वेबसाइट है तो आपने उसका ये वाला जो पार्ट है उसे क्या कर देना होता है यहाँ से इंडेक्स कर देना होता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि गूगल को आप आइडिया दे देते हो कि अगर आपने साइट मैप को एक्सेस करना है तो आप इसके थ्रू यहाँ पे पहले आए यहाँ पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे आप kilts.fr की प्रीफिक्सेस में क्या हो जाएंगे एंटर हो जाएंगे। अगर आप मेरे kilts.fr को जो है वो क्रॉल करना चाह रहे हैं तो आप इस XML साइट मैप के थ्रू क्या करें आप मुझे क्रॉल करें तो आपने सिंपली यहां से क्या करना होता है XML की जैसे मैंने आपको साइट मैप का बताया कि आपने ये वाला जो URL होता है इसे कॉपी करना होता है
और उसे क्या कर देना होता है वहां पे आके यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना होता है, जिससे वो क्या हो जाता है आपका साइट मैप जो है वो सबमिट हो जाता है। अब जैसे .xkids.fr है, ठीक है, इसका साइट मैप अगर देखना हो kids.fr, ठीक है, साइट मैप, ठीक है, साइट मैप .xml, इस तरह से करूंगा। इससे मैंने क्या करना है, सिंपली इस तरह से कॉपी करना है और सर्च कंसोल में जाऊंगा, kills.fr की जो चीज है इसके आगे जाके इस तरह से पेस्ट कर देना। अब ये क्या हो जाएगा मेरी इस वेबसाइट, ये देख, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल पीरियोडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद इन इट फ्यूचर, ठीक है। अब मैंने गूगल को बेसिकली क्या किया है, इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर आपने मेरी वेबसाइट को क्रॉल करना है या मेरी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है तो किस तरह अंडरस्टैंड करो, थ्रू XML साइट मैप के थ्रू आप क्या करो, मेरी वेबसाइट को क्या करो, अंडरस्टैंड करो, या उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो मेरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को। मैंने आपके सामने इसे क्या किया, सिंपली वो क्या किया, इसे सबमिट किया कि कितना ईजी है, आपने सिंपली जाना होता है और इसके आगे अगर देखना होता है कि अगर आपकी वेबसाइट का साइट मैप ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं, तो किसी भी वेबसाइट के XML साइट मैप को चेक करना हो तो आप सिंपली उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश डालो, साइट मैप डॉट XML टाइप करोगे तो उसके बाद क्लिक एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, उस वेबसाइट का साइट मैप जो आ जाएगा वो जनरेट होके आ जाएगा। आपने सिंपली उसे यहाँ से कॉपी करना होता है और उस जो स्पेसिफिक डोमेन होती है उसके आगे क्या करना होता है, जाके पेस्ट कर देना होता है, जिससे वो क्या हो जाता है आपकी साइट मैप जो है वो सबमिट हो जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो ले ताकि मैं यहाँ तक जो है आज आप लोगों को कवर कर दूं, ताकि क्योंकि ये जो है टॉपिक ये काफी ज्यादा जो है वो आप इसे कह ले सर एडवांस है, तो यहाँ से आपकी जो है कंफ्यूजन जो है वो दूर करनी होगी। अनम्यूट कर दे एक बार सबको। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा साइट मैप के रिगार्डिंग का ही क्वेश्चन था कि जो हम कुछ H1 H2 की तरह है ये जो HTML जो साइट मैप है, हमारी जो मेजर हेडिंग है फिर उसके साथ उसको उसकी जो फर्दर उसमें सब डोमेन जस्ट लैंडिंग पेजेस हैं, इस तरह इसको अरेंज किया जाता है जी, ये HTML साइट मैप है। यस जी जी, इसका रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या है? वही H1 H2 की तरह इसको अरेंज किया जाता है, जिस तरह के मतलब मेजर जो हमारी लेट से कोई कैटेगरी है उसके साथ उसके जो फर्दर उसमें सब डोमेन्स आ जाती हैं, सॉरी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, उसको इस तरह अरेंज करके एट द बॉटम ऑफ द वेबसाइट इसको पेस्ट कर दिया जाता है या उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। बिल्कुल, आप सिंपली इसका एक अलग से टैब भी बना सकते हैं, अक्सर आपने अगर देखोगे तो HTML का जो साइट मैप का जो होता है वो अलग से एक टैब भी नीचे बना होता है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको रिलेटेड जितने भी उसके आप इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो सारे इस तरह से आपके पास पेजेस नजर आ जाएंगे और उसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे फर्दर आपको उस पेजेस की तरफ वो रीडायरेक्ट करता जाएगा। ठीक है, और सर अगर ये सारा वर्डप्रेस में होगा HTML वाला इसको हम जो जनरेट करेंगे, सॉरी जो HTML ये वर्डप्रेस में होगा, HTML जो वर्डप्रेस में होगा ऐसे ही सर? बिल्कुल, ये बेसिकली आप खुद जो है वो बनाते हो और कैटेगरी जब आप नीचे सेट कर रहे हो तो HTML जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो मशीन लैंग्वेज के थ्रू जो है वो कोडिंग के थ्रू तो नहीं होता, बिल्कुल तो वेरी सिंपल है कि आपने HTML की वो एक कैटेगरी बनानी होती है, नीचे आपने फुटर में जाके आप HTML के ऊपर जब क्लिक करते हो तो आपको सारे उस चीज के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, तो इसमें इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होगी। जो अक्सर जो प्रॉब्लम आता है वो आपको XML साइट मैप जनरेट करने में आता है, वो आपको मैंने टूल बताया कि XML डॉट साइट मैप जो है एक वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर जानना है सिंपली उसमें URL कॉपी पेस्ट करना है और क्रिएट साइट मैप कर देना है। 500 पेजेस तक अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने क्या करना है, वहां से उस वेबसाइट के आपको साइट मैप वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको जनरेट करके दे देगा। आपने उस फाइल को डाउनलोड कर देना है और आगे फॉरवर्ड कर दे अपने वो क्या जैसे डेवलपर है उन्हें दे देना, वो सबमिट करवा देंगे।
और वो आपके तो सर जिस तरह आपने अभी बताया था XML के लिए प्लगइन है वर्डप्रेस में, वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है जब भी कुछ नई चीज या नया पेज ऐड किया जाता है वर्डप्रेस में। आ रहा था ये इधर आपके साथ एक स्टूडेंट है सजावल, और उसके बाद मैंने उन्हें रेफर किया था फैसल के पास, ठीक है। वो क्या हो रहा था कि इन्हें प्रॉब्लम आ रहा था कि XML जो उसका साइट मैप है वो कैसे जनरेट करना है। तो जब हमने उस चीज को देखा था फैसल को, वो ऑलरेडी जो है वो योस्ट ने बनाया हुआ था ना प्लगइन जो साइट मैप है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया था कि उसे जाके कॉपी किया था, और हमने उसे जाके आपके सामने जैसे मैंने किया है कि आपने पेस्ट कर देना है गूगल सर्च कंसोल में, तो गूगल को आइडिया हो जाता है कि अगर मैंने साइट मैप इस वेबसाइट का क्रॉल करना है तो मुझे साइट मैप डॉट XML का जो पैरामीटर है इसे फॉलो करके मैं इस डोमेन का जो है साइट मैप जो है उसे वो क्रॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है कि आपने योस्ट का जो है प्लगइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस का साइट मैप आप जो है वो जनरेट कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग वगैरह या आपको बैक एंड पे जो है मसला आ रहा होता है, जैसे मुझे काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग जब कोई कोडिंग वगैरह आ रही होती है, तो मैंने स्पेसिफिकली बस कुछ चीजें जो है वो सीखी हुई है जो कि कोडिंग में जो मुझे जहां तक मुझे जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कोई टैग वगैरह लगाना हो तो वो मैं अक्सर उसके थ्रू लगा लेता हूँ, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू उसके मैंने कुछ कुछ चीजें सीखी हुई है, ठीक है। जो भी मैं स्पेसिफिकली अगर एनालिटिक्स का टैग लगाना हो, सर्च कंसोल का टैग लगाना हो, तो वो आप क्या कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप लगा सकते हो, वेरी सिंपल होता है वो। तो इसी तरह आपने अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हो और मेरी तरह आप कोडिंग आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप प्लगइन्स को यूज करते हुए आप इस तरह से अपने साइट मैप जो है वो जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि आप साइट मैप कैसे जनरेट करते हो, आप उस साइट मैप की जो फाइल है उसे डाउनलोड करें, उसे फॉरवर्ड कर दें अपने वो जो डेवलपर है या जिसे कोडिंग के थ्रू आइडिया या जिसने थीम के ऊपर काम किया हुआ है उधर जाके क्या कर देते हैं वहां पे आपके पेस्ट कर देते हैं साइट मैप, ठीक है सर। आपने बताया था कि वो 500 पेजेस जो XML की जो फाइल होती है, बेसिकली आप जब फाइल मैनेजर पे जाते हो बैकएंड पे, तो उधर आप जाके क्या करते हो वहां पे आप इसे पेस्ट करते हो, ऐसे ही है। फाइल मैनेजर में आप जब जाते हो तो उधर आप जाके क्या करते हो इसे आप पेस्ट कर देते हो। तो सर वो जो वेबसाइट थी वो तो आपने बताया था कि 500 पेजेस तक को फ्री कर देती है, लेकिन वर्डप्रेस जो है वो रिगार्डलेस ऑफ दिस है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने पेजेस हैं, वो ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे आपके वेबसाइट के उसको साइट मैप उसका जनरेट कर देगा। जी ठीक है सर। अब देखिए मेरी वेबसाइट तो उसने थोड़े से जो उसे पेजेस नजर आए उसने वो क्रॉल कर लिए है, ठीक है। अब वेब मास्टर में जो चीजें हैं जब आप XML साइट मैप बना देते हो उसके बाद आ जाती है आपके पास robot.txt फाइल जाती है। robot.txt फाइल में बेसिकली आपका सारी गेम होती है। robot.txt में आप इंस्ट्रक्शन देते हो क्रॉलर्स को कि आपने इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपने किसी बंदे को बाजार एक चीजें एक आपने रेसिप्ट के ऊपर चीजें लिख के दी है कि आपने घी वगैरह लेके आना या चीनी वगैरह लेके जानी है, ठीक है। आपने उसे क्या है एक रिसिप्ट दे दी, एक साइट मैप दे दी है। अब robot.txt बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि आप जब बाजार में जाओगे, ठीक है, जब स्पेसिफिक वेबसाइट में आप जाओगे आपने उधर उस स्पेसिफिक वेबसाइट को क्रॉल कैसे करना है, तो वो किसके थ्रू आप करते हैं robot.txt जो फाइल होती है वो एक इंस्ट्रक्शन होती है रोबोट को दी जाती है। मतलब अगर मैं एक रोबोट हूँ, मैं एक बाजार में जाता हूँ, मुझे माँ की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ये वाली चीजें लेके आनी है, जो रिसिप्ट उनकी तरफ से दी गई है, जो उन्होंने मुझे चीजें लिख के दी है वो बेसिकली क्या है साइट मैप है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है कि बाजार में जाओ और ये चीजें लेके आओ, ठीक है, आपको इस बाजार से ये चीजें मिल जाएंगी। अब उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली जब बताना है कि आपने अगर घी की अगर आपने घी लेना है तो आप कहाँ पे जाओगे, किराना स्टोर पे जाओगे। अगर उसने अगर आपने जूता वगैरह लेना है तो आपने क्या करना है वो वहां पे जूते वाली दुकान पे जाना है। अब अगर इसमें XML को अगर सॉरी robot.txt को मजीद इंस्ट्रक्शन देनी हो, अब उसमें माँ की तरफ से ये मुझे इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस काम को प्रायोरिटी देनी, आपने सबसे पहले जो है वो सब्जी लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये किराने से ये वाली चीजें लेनी है, घी जो भी ये सारी चीजें, उसके बाद आपने क्या करना है जूते वगैरह ये जो चीजें ये बाय करनी है।
ये बेसिकली एज अ क्रॉलर को हम robot.txt जो आपकी फाइल होती है उसके थ्रू आप क्या कर देते हो, आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपने मेरी फाइल को या अपनी वेबसाइट को किस तरह से क्रॉल करना है। या बेसिकली कहाँ से करते हो, सर्च कंसोल के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी robot.txt फाइल को क्या करते हो, सबमिट करते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, साइट में बेसिकली क्या है, आप एक मैप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, क्रॉलर्स को, कि उन्हें आइडिया हो जाए या उन्हें समझ आ जाए कि बेसिकली आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है सर। इससे रिगार्डिंग और किसी का कोई क्वेश्चन? ले ले अगले किसी का क्वेश्चन। योगी भाग गए। आप बोले जी, मेरा क्वेश्चन इससे पहले वाले टॉपिक पे था तो वो लास्ट में फिर करेंगे, ये टॉपिक चल रहा था इसकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। सर मैं चाह रहा था कि आप एक दफा साइट मैप जो हमारी साइट के ऊपर वर्डप्रेस पे भी सबमिट करवाते हैं वो भी एक दफा करके दिखा देते। एक दफा तो आपने वर्डप्रेस में ऑन किया है ना यूज में जाके जी। और बनाना वो भी बता दिया, लेकिन जिस तरह थीम एडिटर में जाके उसको ऐड भी करते हैं साइट मैप पे, साइट मैप को, वो भी जरा बता। मैंने सी पैनल वगैरह और कभी इन चीजों को कभी भी नहीं छेड़ा, ठीक है, मुझे ये पता है कि साइट मैप जो है वो जनरेट कैसे होना है और साइट जो है साइट मैप की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं उस फाइल को डाउनलोड करके जो है वो, आप अगर इधर कोई भी इस वक्त डेवलपर बैठा है या मेरे पास अगर कोई डेवलपर अवेलेबल होता तो मैं सिंपली उसे फॉरवर्ड कर देता। ऑन कर देते हैं तो जब हमने कंसोल पे सबमिट किया हुआ है वो तो हमने कर दिया, तो यूज पे भी हमने ऑन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली कंसोल पे अपडेट होता जाएगा कि रीसबमिट करना पड़ेगा हर बार कंसोल पे भी जाके। देखिए जब आप एक बार अपनी साइट मैप का सबमिट कर देंगे, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट को एक बार जो है सर्च कंसोल सबमिट करवा दिया, सर्च कंसोल में अपना साइट मैप सबमिट करवा दी, अब तब उसे सबमिट करवाएं दोबारा जब आप देखते हो कि आपने कोई न्यू मेजर चेंज किया है, आपने वेबसाइट का कोई जो है कैटेगरी जो है वो चेंज की है। अब देखिए इसका आसान हल ये होता है कि आप जब, आपको मैंने बताया है कि वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आपकी वेबसाइट को ओवरऑल क्रॉल कर रहा होता है, ठीक है, वो मुझे वो क्या कहता है कि मैंने इतने इतने पेजेस को क्रॉल किया है, मुझे स्पेसिफिकली ये मिस्टेक्स नजर आई है। गूगल क्या करता है, उसने जब मैंने आपके सामने साइट मैप जब मैंने सबमिट किया है तो उसने मुझे क्या कहा है कि वो इसे क्या करेगा, फर्दरली इसे क्या करेगा, क्रॉल करता रहेगा और इसे आपको पीरियोडिकली इसमें जो भी चेंजेस होगी वो उसके रिलेटेड आपको अपडेट करता रहेगा। आपने सिंपली क्या करना होता है, एक बार अपना साइट मैप जो है वो सबमिट करवा देना होता है, उसके बाद अगर जो भी प्रॉब्लम आते हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई मेजर मैंने कैटेगरी चेंज की है, तो आप सिंपली जाए और अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने सबमिट करवाया है इस तरह से आप सबमिट करवा दें, गूगल को आइडिया हो जाएगा कि रिक्वेस्ट चली जाएगी कि इस साइट मैप को दोबारा आप क्या करें, क्रॉल करें, इस वेबसाइट को दोबारा आप क्रॉल करें, और वो खुद इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वेबसाइट में कोई मेजर चेंज हुआ है। जब भी कोई वेबसाइट में मेजर चेंज करें, कोई स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करें, कोई कैटेगरी वगैरह चेंज करें, तो आप क्या करें उस साइट मैप आपकी वेबसाइट को क्या कर रहा होता है, आपको क्रॉल कर रहा होता है, तो आपको वहां से आइडिया उसे क्रॉलर खुद काम है कि जो सारी होती है वो आपको क्या कर देता है, क्रॉल कर आपकी बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन खुद बहुत अपडेट कर देता है। साइट मैप मैंने बेसिकली आपको बताया स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट का, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पड़ी हुई वेबसाइट की प्रोडक्ट्स वगैरह, आपकी वेबसाइट का जो कैटेगरी का ओवरऑल लेआउट कैसा है, और उसे गूगल ने अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो क्रॉल करना है तो आप उसे बेसिकली डायरेक्शन दे रहे होते हो, आप उसे बता रहे होते हो कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है,
ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये सारा कुछ है ये कंटेंट के रिगार्डिंग चेंजेस होती है, ठीक है। ये गूगल खुद ब खुद इस पे जब एक बार क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे घुस जाता है वो खुद ही जो उसके ऊपर अपडेट हुई होती है कंटेंट के रिलेटेड, जो आपने उसके ऊपर कोई चीज नहीं सबमिट करवाई होती है वो उसे खुद पिक कर लेता है, वो साइट मैप का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता जो आप कंटेंट एक बार अपलोड करते हो। अगर वो क्रॉल हो रहा होता है और उसे गूगल एक बार क्रॉल कर लिया तो गूगल खुद ही उस चीज का आगे जिम्मेदार है कि उस पे जो चेंजेस आ रही होती है कंटेंट के रिगार्डिंग वो उसे क्या कर देता है, चेंज कर देता है बैकएंड पे। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकअल्लाह आपके ये सारी क्लास के लिए। लेकिन हमजा भाई ये हम न्यू बेस के लिए बहुत लेटेस्ट, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब अब जैसे मैं हूँ मुझे तो आज जो भी आपने बताया, लेकिन वो जब तक हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उसका। फैसल भाई आप हंस रहे हैं मुझे पता है, लेकिन बात तो ये आ जाती है कि अब आप बताएं हम इसको कैसे करें, मतलब मेरे तो ये ऊपर से सब गुजरता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि सबसे सिर्फ आपका काम इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले आता है वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। लेकिन ये तो तब ही करेंगे ना जब वेबसाइट पास होगी, तभी सब, जब तक ये चीजें हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपको इसके इंटरफेस का तो आइडिया होना चाहिए ना कि बेसिकली सर्च कंसोल काम कैसे करता है और इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब वो तो बिल्कुल उसका तो पता चल गया है। अब अभी मतलब जैसे अब हम आगे 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 जाते जा रहे हैं तो जब तक हमने वेबसाइट अपनी बनानी, सब चीजें करनी, फिर ये सारा लेक्चर पीछे से जाके देखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फैसल को भी प्रॉब्लम आ रहा था जब इन्होंने वो एक्सएमएल साइट मैप का इन्हें मेरे फॉरवर्ड किया था तो इन्हें भी प्रॉब्लम आ रहा था और मुझे वो सजावल ने बताया था कि वो ऑलरेडी, मैंने कहा था कि योस का जो है वो ऑलरेडी आपको साइट मैप मिल जाएगा तो कोई नहीं। एक मिनट अनम्यूट कीजिएगा, ये इनके सामने केस स्टडी है। मैंने इन्हें कहा था कि आपको जो है एक्सएमएल जो साइट मैप मिल जाएगा तो इन्हें देखा मैं दूसरी तीसरी बार जाके इन्हें जो जाके मिला था साइट मैप जो है वो ऑलरेडी सबमिट हुआ। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उनको बताया था, वो मैंने उनसे टाइम मांगा था, जब मैंने फिर उनको समझाया था मैंने कहा इस तरह भी हो सकता है कि होस्टिंग की डिटेल चाहिए होगी फिर मैं कर दूंगा, तो एचटीएमएल का वहां से भी हो जाता है बैकएंड से। अच्छा, तो प्लगइन जो योस्ट ने बनाया हुआ था पहले से? जी योस्ट ने बनाया हुआ था। तो ये इसीलिए आपने जब भी अगर आपकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है आपने सिंपली क्या करना होता है, मैंने बताया है कि आपने जाना है फीचर्स में जाके एक्सएमएल का जो साइट मैप वाला जो टैब है उसे ऑन के ऊपर कर देना, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है साइट मैप है वो उसे जनरेट करता रहेगा और उसे क्या करेगा क्योंकि वो आपकी वेबसाइट के साथ डायरेक्टली लिंक होती है और सर्च कंसोल भी आपकी वेबसाइट के साथ डायरेक्टली। अच्छा सर, मैंने अगर मैं आपके बात, सॉरी मैं जल्दी क्वेश्चन करने लग गया, अगर मैंने साइट मैप बना दिया, मैंने कुछ पेजेस बना दिए ब्लॉगिंग में, मैंने उसकी कैटेगरी नहीं बनाई, वो मैंने सबमिट करवा दिया स्टार्ट में, देन अगर बाद में मैं कैटेगरी बनाता हूं तो क्या मुझे दोबारा वो सबमिट करवाना पड़ेगा या नहीं, या मुझे फर्दर चेक करते रहना चाहिए? आप सर्च कंसोल में जाएं सिंपली, ठीक है, आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है आपने क्या करना है, इसका हाल बताता हूँ आपको। फैसल आपने सिंपली सर मुझे सिंपल बता दे मुझे पता चल जाएगा, मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा सर। आपने सिंपली क्या करना होता है, जो आपने यूआरएल न्यू ऐड किया है, ठीक है, जी जी, आपने उसे कॉपी करना है और यूआरएल इंस्पेक्शन में आके उसे आपने पेस्ट कर देना है। अगर यहाँ पे वो आपको मिल जाता है, अवेलेबल है आपको, ठीक है, थर्ड नंबर पे है सर पहले, अगर नहीं होता तो फिर आप उसे साइट मैप जो उसका दोबारा जनरेट करें, ठीक है, तो मतलब कैटेगरी का अलग से कर दें, पेजेस का अलग से एक ही बार करके उसको। मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो अक्सर कैटेगरीज का इशू आ रहा होता है, ठीक है, जब कैटेगरी की वजह से, क्योंकि आपको पता है पूरा ट्री चेंज हो रहा होता है वेबसाइट का, जी जी जी, तो इसलिए कैटेगरीज में जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो उसका साइट मैप एक बार लाजमी उसका चेक कर लेना चाहिए। थैंक यू सर। अब हमजा भाई, फैसल भाई तो वेब डेवलपर हैं, देखिए इनके लिए चीजें डाइजेस्ट करना या इनके लिए चीजें करना पॉसिबल नहीं है, हम अभी एसईओ ही वो की ही समझ आ जाए तो ये तो सारी ये वेब डेवलपर्स जो भी कोई है उनके से रिलेटेड ही चीजें है ना, तो मतलब अब मैं मुझे सिर्फ इस वक्त अपनी है कि मैं एक चीज पकड़ तीन ही पूरी तरह से दूसरी शुरू हो जाती है, मतलब वो आप बताएं कि उसको किस तरह से क्विक, आप भी बताएं जब आपने भी ये स्टार्ट किया था तो किस तरह मतलब इन चीजों को आपने कैसे अपने साथ किया था। सर इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, हलीमा मुझे एक मिनट बाद बताएं कि सर मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं सर, एक मिनट मैं आपको इंशाल्लाह इसकी बात बता दूं,
मुझे ये बताएं कि आपके सामने इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। आपको सिंपली यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का भी यही है, ये जो सब चीजें आपने बताई ना मुझे, मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी ऐसे ही देखती हूँ। लेकिन बात है क्योंकि मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास उसकी एक्सेस है, तो मेरे लिए ईजी है उस पूरा। जब आप इसे वो फिजिकली जब इसे आप वो क्या कर ले, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आप खुद अपने हाथों से इस चीज को लगा लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। तो आप ये बिल्कुल आसान है, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है मैम, ये और ज्यादा कोई मसला नहीं है। आप खेलना होता है, ठीक है, आपको जस्ट डिफरेंट जो है टैब्स के ऊपर जाके क्लिक करना होता है, हर चीज का आपको आइडिया हो जाता है। आपको सिंपल टर्म्स का पता होना चाहिए कि साइट मैप की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस में मुझे क्या क्या मिल रहा है। आपको अभी देखे ना कि अभी आप देखते हो, आपको मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ कि आप देखते हो कि मुझे किल्ट जैसे है, किल्ट से अब मुझे ज्यादा क्लिक्स पड़ रहे हैं। आपको आप देखते हो कि मैं अगर किल्ट के साथ इस वक्त 4th या 8th नंबर के ऊपर हूँ और मुझे इतने क्लिक्स पड़ रहे हैं, आपका अगली ऐसी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर मैं किल्ट्स को इसे मजीद रैंक कर लेता हूँ तो मुझे जो ये क्लिक्स की जो रेशियो है ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को देखना होता है आपका काम होता है। आपने सिंपली एक बार जो है इंटीग्रेट करके इसे छोड़ देना है, ठीक है, आगे काम गूगल का है, वो आपको मॉनिटर करके देता रहेगा, आपको रिपोर्ट्स वगैरह वो देता रहेगा। ठीक है, आपको ओवरऑल इन चीजों का पता होना चाहिए कि अगर ये क्यूरीज दिखा रहा है तो ये क्यूरीज का क्या मकसद है। ठीक है, क्यूरीज के बिहाफ पे आपको डिसीजन लेने आने चाहिए कि मुझे आगे फर्दर इन क्यूरीज के इन जो परफॉर्मेंस उसने मुझे बताई है, मुझे इस बेसिस पे आगे कैसे अपनी एसईओ को लेके चलना है। ओवरऑल तो इसमें क्या है, आप तो कोई काम नहीं कर रहे, आप सिंपली क्या करें, मॉनिटर करें या चीजों को, जो प्रॉब्लम आपके रिगार्डिंग है आप उसे खुद रिजॉल्व कर लें। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, आप किसी दोस्त से या किसी डेवलपर से आप हेल्प ले लें। अब हमारी टीम जो है, बेसिकली हमारा जो काम होता है, हम अपनी टीम का अगर बताएं तो हमें स्पेसिफिक चीजें अलॉट की जाती है, हम उस चीज से हटते नहीं है। हमें सर एक चीज में क्या कर रहे होते हैं, मास्टर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज तक मैंने एज अ एसईओ पर्सन मैंने आज तक कभी वेबसाइट का सी पैनल जो है उसे थॉरली कभी भी एक्सेस नहीं किया, उसे कम्प्लीटली जाके कभी भी स्टडी नहीं किया। ठीक है, मेरा काम जो है ओवर दी वेबसाइट जो रैंकिंग वगैरह करनी होती है, जो उसकी वेबसाइट ओवर साइड जो चेंजेस करनी होती है वो मैं करता हूँ, कंटेंट वगैरह चेंज करता हूँ। अब मैं आगे जो भी चीजें आती है मैं कहता हूँ कि अच्छा अब इसका ना साइट मैप जो हमें सबमिट करवाना होगा, मैं सिंपली साइट मैप की वेबसाइट की जो फाइल है वो डाउनलोड करता हूँ और आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ जकी को, जकी उस साइट मैप को क्या कर देता है, सबमिट करवा देता है, या मैं खुद अगर वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे देता तो मैं खुद करवा लेता हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको जस्ट इसके पता होना चाहिए कि मुझे किस टैब पे जाके कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, आपको ये आइडिया होना चाहिए। ऐसे तो गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस चीज का पर्पस क्या है, इस जगह पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट्स इट। आपको कोई लंबी चौड़ी अंग्रेजी इसमें नहीं लिखनी ना सीखनी है इसमें आपने। दिस इज जस्ट फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट, उसके बाद फिर हमें गूगल खुद ही हर चीज जनरेट करेगा। जैसे मेरे अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है वो अभी मैंने देखी है, मैं उसे सुबह बैठ के डिस्कस कर लूंगा, अगर जो मेरे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई उन्हें मैं खुद रिजॉल्व कर लूंगा, नहीं तो मैं आगे पास ऑन कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू हमजा भाई, थैंक यू जी। फैसला आप बताएं। सर वही था कि डोमेन होस्टिंग के हवाले से वो बात कर रही थी मैम कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये वो, तो उनको कहना चाह रहा था कि डोमेन होस्टिंग ले लें, अपनी काम शुरू करें, सब चीजें सामने नजर आती जाएंगी, जैसे जैसे आ जाएंगी फिर ये चीजें जरूरत ही नहीं रहेगी, एक बार जब आप काम कर लेंगे तो फिर तो इजी हो जाएगा दूसरी बार करना भी। आपने एक बार सबमिट करवाना है, ठीक है, उसके बाद बस ये चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आपका काम ही नहीं रहेगा, आपका काम तो समझने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे थे कि कोडिंग वगैरह का भी नाम ले रही थी ये वो, हमें समझ नहीं आती इन चीजों की, तो जब आप एक बार काम करके छोड़ देंगे कोडिंग क्या जरूरत है सर उसमें। आप मेरे मुझे बताए मैंने इसमें कौन सी कोडिंग की, कोई कोडिंग नहीं मैंने की। जी जी, तो सर थोड़ा सा आप कोई आगे कहेगा एक्सप्लेन करें तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इधर,
तो वो उनको कहेंगे सर वीडियो देख लिया करें, सर पहले भी 4 घंटे का हुआ, हम पूरा लेक्चर देखते हैं, उसमें बातें कुछ ही निकलती हैं, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है। ये नहीं मैं कहता कि क्वेश्चन ना करें, करें सर, और लेकिन जो काम टॉपिक जो होता है ना उतना 10-15 मिनट में 20 मिनट में क्लियर हो जाए तो सबको ईजी हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन। अब देखिए हमारा ये जो टॉपिक है, आपने ये जो टॉपिक है ये अभी यहाँ तक जो है वो कवर किया है, इसके रिगार्डिंग अब देखिए मेरा जो कॉन्टेंट है वो यहाँ तक खत्म हो गया, मैंने यहाँ तक आपको बता देना था कि साइट मैप जो है वो क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और इसे आपने सबमिट कैसे करवाना होता है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चंस है वो आप करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ तक कॉन्टेंट खत्म हो गया, मुझे पता है कि मुझे आगे जो फर्दर है इसे आगे लेके चलूंगा, आप लोग कंफ्यूज होते जाएंगे, इवन के ये बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी जितना मर्जी जोर लगा के वो समझा रहा हूँ लेकिन आपके माइंड में अब ये चीज बैठ गई है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब हमें क्या करना होगा, इसे चांस में लेके चलना होगा। आज आपने अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स तक आपने इस चीज को स्टडी कर लिया है, आप जाए आज अपने यूट्यूब के आपके पास अवेलेबल है, आप उस उधर भी स्टडी कर सकते हैं, आपको यही चीजें मिलेंगी, वो ये आपको यही बता रहे होंगे, इसी तरह आपके सामने सर्च कंसोल खोलेंगे, आपको बताएंगे ओवरव्यू इस तरह से होता है, परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह से इस चीज को मॉनिटर करने के लिए होती है। बट जो द थिंग इज आपने उसमें आपको ये बताएंगे कि आपने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि वो आपके सामने कोई बड़ी रॉकेट साइंस कोई कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। आप ये जाएंगे आप ये देखिएगा, आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सर्च जो गूगल सर्च कंसोल के आपको मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ, आपको वहां पे सारे आपको प्रॉब्लम्स का जो है वो हल मिल जाएगा। मेरे मोस्टली क्या होता है ये है कि आपको ओवर द स्क्रीन बता सकूं कि सर्च कंसोल बेसिकली नजर कैसे आता है, इसके ऊपर जो टर्म्स लिखी गई है उसका मतलब क्या है। जी जी तो सर ये होता है कि अब हैवीली चीजें इसलिए होती जा रही हैं क्योंकि अगर पहला काम कंप्लीट नहीं किया तो दूसरा आगे लेक्चर आ जाएगा, तीसरा लेक्चर आ जाएगा, चीजें तो बढ़ती रहेंगी ना, काम तो नहीं।